हेलो क्लास एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो आई विल मेक श्योर कि आपको इस वीडियो के एंड तक बहुत ज्यादा नई चीजें मैं आपको सिखा दूंगा, और अगर आपने पहले से चीजें सीखी हुई हैं तो वो क्विकली रिवाइज करवा दूंगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस जो वीडियो में आपको देखने को मिलेगा वो ये कि जितने भी हमारे आरडी शर्मा के और जितने भी और रेफरेंस बुक्स हैं जो हमारे बोर्ड पे बेस बुक्स बनी हुई हैं, तो उन बुक्स में जितने भी टाइप्स हैं इंटीग्रेशन के अंदर, मैंने इसमें वो सारे के सारे कवर किए हैं। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया, आई विल मेक श्योर कि आपके सारे के सारे टाइप्स जो है वो रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, मैंने क्या किया है, इसमें जितने भी टाइप्स हैं उनको कवर करने के साथ साथ उनकी जो सब टाइप्स हैं और उनके एक या दो क्वेश्चंस, ताकि आपको उनको अप्लाई करने की क्लैरिटी हो जाए, उस वजह से ये मैंने वीडियो बनाया है। राइट, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ फॉर्मुलाज आपको दिखाऊंगा, अभी हम कुछ फॉर्मुलाज देखेंगे, फॉर्मुलाज समझने के बाद फिर हम स्विच करेंगे उनकी टाइप्स की तरफ। ठीक है, अगर आपको लगे कि ये वीडियो में मेरी स्पीड बोलने की थोड़ी तेज है, वो इसलिए है क्योंकि इसमें टॉपिक्स बहुत ज्यादा है और हमारे पास कम टाइम में उन्हें कवर करना है। अगर आपको ठीक है मेरी स्पीड ठीक लग रही है तो अच्छी बात है, अगर आपको तेज लग रही है तो आप अपनी वीडियो की सेटिंग में उसकी जो स्पीड है वो 0.75x करके भी सुन सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको जल्दी कवर करना है तो आप अपनी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, तो अगर आपको उसमें कंफर्टेबल है स्पीड बढ़ा के भी अपनी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मुलाज के साथ। अब आप इसमें देखेंगे जो फॉर्मुलाज हैं वो फॉर्मुलाज अलग अलग टाइप्स के बने हुए हैं। वैसे मैंने लगभग सारे फॉर्मुलाज जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, अराउंड 27 फॉर्मुलाज हैं। बहुत बार क्या होता है, बच्चे वैसे फॉर्मुलाज का नंबर देखकर घबरा जाते हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इन्हें एक साथ रटने की भी कोई जरूरत नहीं है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। सबसे पहले हम इनको याद रखने के लिए, इनको इन फ्यूचर याद करने के लिए आपको ये समझना होगा कि जो ये फॉर्मुलाज होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट, अगर आप इन्हें कैटेगरीज में बांट लेंगे तो आपके लिए इन्हें अप्लाई करना कहां कहां कैसे अप्लाई होंगे और क्या क्या फॉर्मुलाज हैं ये आपको धीरे धीरे याद करना आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक फॉर्मुलाज की। पहले चार जो मैंने लिखे हैं ये कुछ बेसिक कैटेगरी के अंदर आते हैं, एक्स पावर एन, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, वन अपॉन एक्स लॉग एक्स, ई पावर एक्स, ए पावर एक्स ऑफ ए पावर एक्स अपॉन लॉग ए। ठीक है, ये बेसिक कुछ चार फॉर्मुलाज हैं। उसके बाद हमें कुछ स्पेशल टाइप के फॉर्मुलाज हैं, ये स्पेशल टाइप के फॉर्मुलाज हैं कि अगर आपको ऐसी इंटीग्रेशन 1 x2 + a2 टाइप की पूछ ली जाए, या x2 - a2 या अपॉन a2 - x2, या फिर इनके साथ रूट की पूछ ली जाए, तो ये इनके फॉर्मुलाज हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड, जितने भी फॉर्मुलाज ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस में लगेंगे, जहां पे ट्रिग्नोमेट्री की इंटीग्रेशन करनी होगी उसके ये टोटल 10 फॉर्मुलाज हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री की इंटीग्रेशन इन्हीं 10 फॉर्मुलाज के जो 10 फॉर्मुलाज के बीच में ही कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन बहुत रेयर ऐसे होते हैं जिनमें जो इंटीग्रेशन क्वेश्चन इंटीग्रेशन का होता है, बट आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वो क्वेश्चन अलजेब्रा की फॉर्म में चला जाता है, जब हम करेंगे तब आपको समझाऊंगा, बट इंटीग्रेशन बेस्ड यही टोटल 10 फॉर्मुलाज हैं जो आपको एज इट इज ही याद रखने हैं। नाउ इन्हीं जैसे स्पेशल टाइप का था, ऐसे ही स्पेशल टाइप के 3 फॉर्मुलाज और होते हैं। राइट, ये फॉर्मुलाज थोड़े लेंथ में लंबे हैं, बट लेकिन अगर आप इन्हें ध्यान जब इनकी जरूरत पड़ेगी, जब हम इन 3 फॉर्मुलाज को याद रखने की कोशिश करेंगे तब हम इनके बीच का पैटर्न फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, और जब आप पैटर्न समझ जाते हैं तो क्वेश्चन याद करना आसान हो जाता है। Now, उसके बाद आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको मालूम है कि एक रूल होता है आइलेट रूल, आइलेट से इनवर्स लॉग अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल। इसमें पहले हम आइलेट के अकॉर्डिंग जो भी हमारे दो फंक्शंस हैं, अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यू एंड वी दो फंक्शंस हैं, उसमें से यू को मैं फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूं, वी को सेकंड, डिपेंडिंग अपॉन दिस आइलेट। जो भी फंक्शन अगर लॉग और ट्रिग्नोमेट्री है तो लॉग पहला, ट्रिग्नोमेट्री दूसरा। अगर मेरे पास फंक्शन एक्सपोनेंशियल और इनवर्स है तो इनवर्स को पहला, एक्सपोनेंशियल को दूसरा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, उस पर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड की इंटीग्रेशन। राइट, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन आ जाता है हमारे पास। पार्शियल फ्रैक्शन हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट होता है कि जो अगर हमारे पास फ्रैक्शन में अगर एक फ्रैक्शन पड़ी है, उस फ्रैक्शन के अंदर अगर हम देखें नीचे हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, नीचे हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, तो उन दो फैक्टर्स को हम कैसे अलग कर सकते हैं। अनडाउटेडली जो नीचे फैक्टर्स हैं ये लीनियर फैक्टर्स हैं, एक्स माइनस ए लीनियर, एक्स माइनस बी लीनियर है, तो उन्हें हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक्स माइनस बी के साथ एक्स माइनस सी भी होता, यानी एक फैक्टर और होता, तो मैं यहाँ पे प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी लिख लेता। सिमिलरली एक और होता तो मैं उसको डी अपॉन कर लेता। अगर यहाँ पे एन नीचे लीनियर हमारे पास फैक्टर्स होते तो मैं यहाँ पे एन टाइम्स उसे ओपन कर सकता था। अगर नीचे x माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाए, लीनियर का स्क्वायर आ जाए, तो उसको हम कुछ ऐसे ओपन करते हैं, x माइनस ए इंटू x माइनस ए का स्क्वायर। अगर ऐसे क्यूब होता तो उसको मैं लिखता हूं x माइनस ए स्क्वायर, x माइनस ए क्यूब। सिमिलरली अगर एक पावर 4 होता तो ए x माइनस ए का स्क्वायर, x माइनस ए का क्यूब, x माइनस ए की पावर 4। ऊपर यह सिंगल ही रहेगा, ए बी सी डी। नाउ अब हम बात लास्ट है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, ये पहला एक्स माइनस ए तो ऐसे ही ओपन हुआ, बट लेकिन जब हम इस क्वाड्रेटिक टर्म को ओपन कर रहे हैं तो ऊपर एक सिंगल अल्फाबेट की बजाय हम एक लीनियर टर्म लिख रहे हैं। सिमिलरली अगर यहाँ क्यूबिक होती, अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक की बजाय यहाँ क्यूबिक होती तो ऊपर मैं लिखता बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी जितनी भी मैं डिग्री नीचे लिख रहा हूं उसे एक डिग्री कम करके हम ऊपर लिख देते हैं। ऑलराइट, कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ पे भी डिग्री 2 है तो आपने यहाँ डिग्री 1 क्यों नहीं लिखी। बेटा हमें डिग्री अंदर वाली टर्म की देखनी होती है, अगर होल पे स्क्वायर है देन हम उस स्क्वायर को डिग्री में कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ अंदर जो पॉलीनोम में लिखी है उसकी डिग्री कंसीडर करेंगे। मैं आपको बहुत अच्छा आइडिया देना चाहूंगा इस थ्रू आउट दिस ओवरव्यू वीडियो, वन शॉट वीडियो, आप क्या करेंगे जहां पे भी हमें फॉर्मुलाज की जरूरत पड़ेगी, मैं बार बार आपको फॉर्मुलाज लिख के नहीं बताऊंगा, आप ये टाइम स्टैम्प आप एक बार नोटिस कर लीजिए कि किस टाइम पे ये फॉर्मुलाज वाली जो पार्ट है ये कहां पे आपको शो हो रहा है, तो जब भी आपको नेक्स्ट टाइम फॉर्मुला देखना होगा तो आप अपनी वीडियो को रिवाइंड करके इस पर्टिकुलर टाइम पे ले आएंगे और यहां से अपना सारा जो फॉर्मुला जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो चेक कर लेंगे। ठीक है, हम बार बार फॉर्मुला नहीं लिखने बैठेंगे, हम बार जब भी हमें क्वेश्चन में फॉर्मुला की रिक्वायरमेंट होगी हम इस टाइम पे आके उसको चेक कर लेंगे।
ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टाइप्स के साथ, वन बाय वन अपनी टाइप को समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं टाइप वन के साथ। टाइप वन में हमने रखे हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस, जिसके अंदर जो आपके फॉर्मुलाज जिससे पहले हमने देखे हैं उन सीधा फॉर्मुलाज डायरेक्ट अप्लाई होते हैं। छोटे मोटे चेंजेस करने के साथ आप फॉर्मुला डायरेक्ट अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें छोटा सा रूल लगता है कि अगर आपके पास जो आपके फंक्शन है अगर वो एडिशन में पड़े हैं या सब्ट्रैक्शन में पड़े हैं तो उनमें कुछ अलग से रूल नहीं लगता। अगर जैसे मान लीजिए साइन एक्स और प्लस ई एक्स है तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए आपको कुछ अलग नहीं करना है, बस आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन को इस पे अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी साइन एक्स की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स, ई एक्स की इंटीग्रेशन है ई एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर है। सिंपल जो क्वेश्चन जो हमने फॉर्मुलाज देखे थे वो डायरेक्ट अप्लाई होंगे। जैसे यहां पे थ्री एक्स इंटू रूट एक्स है, एक्स इंटू रूट एक्स है, एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर वन बाय टू, ओवरऑल हो जाएगा एक्स की पावर थ्री बाय टू। सिमिलरली यहां पे रूट एक्स है, ये हो जाएगा एक्स की पावर वन बाय टू। नाउ अब जब इस पे इंटीग्रेशन लगेगी बेटा थ्री सब पे इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे हम, सब इंटीग्रेशन अलग अलग करने के बाद ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन से एज इट इज बाहर आ जाता है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी एज इट इज इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। नाउ इस पे एक्स पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा, कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, डीएक्स की इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगी, ठीक है। मैं एक बार लिख के भी दिखा दूंगा बट फिलहाल एक बार आगे चलते हैं, ये इजी चीज है, इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। टेन इनवर्स साइन टू एक्स मॉन वन प्लस कॉस टू एक्स, बहुत चीजें हमने ये जो ऐसे क्वेश्चन है ये हमने कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में भी देखी है, ठीक है, डेरिवेटिव वाले चैप्टर में भी देखी है, अब इंटीग्रेशन में भी देख रहे हैं। अब इसमें क्या कहता है, टेन इनवर्स है तो हम चाहते हैं कि अंदर टेन बन जाए किसी तरीके से, और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री पड़ी है, ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल जो मल्टीपल एंगल फॉर्मुलाज है वो अप्लाई कीजिए। क्या आएगा, टेन इनवर्स साइन टू एक्स, इसको हम लिख लेंगे टू साइन एक्स कॉस एक्स, जो नीचे वन प्लस कॉस टू एक्स है उससे लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो टू टू गया कॉस कॉस गया, ये बन गया अंदर साइन एक्स पॉन कॉस एक्स, क्या गया टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स, अभी इसकी इंटीग्रेशन है, ये कट के अकेला एक्स रह जाएगा, x की इंटीग्रेशन कर दोगे x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, सिंपल है। ऐसे ही फर्दर sin square x upon 1 plus cos x, यहां पे आप क्या करोगे रैशनलाइज कर दोगे, रैशनलाइज कर दोगे 1 plus cos x को, तो नीचे बन जाएगा 1 plus cos x into 1 minus cos x, जो अल्टीमेटली बन जाता है 1 minus cos square x और that is equal to sin square x, तो ये ओवरऑल कुछ ऐसा दिखाई देगा sin square x into 1 minus cos x, जब ये नीचे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 minus cos square x यानी नीचे sin square x बन जाएगा। अगर कोई बात यहां पे ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा वो चीज। साइंस के रेक से कट जाएगी, बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन एक्स, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, एक्स पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 2 प्लस 1। जब भी हमारे पास इतनी बड़ी पावर आती है 6 जैसी पावर या 4 जैसी पावर, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उन पावर्स को जो है उस पे ए क्यू प्लस बी क्यू जैसा फॉर्मुला लगा दें ताकि वो चीजें जो है आगे सिंप्लीफाई हो सके। तो एक्स पावर 6 प्लस 1 इस 1 को भी मैं लिख सकता हूं 1 पावर 6, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर का क्यूब होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल इंटीग्रेशन। अब इस पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, जैसे आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, आगे बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इंटीग्रेशन इसे कट जाएगा। अब उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे x पावर 5 बाय 5 x x क्यूब बाय 3, ठीक है। एक बार इन सब के आंसर्स देख लेते हैं, तो ये सब इनके आंसर्स हैं, मैंने सबके आंसर्स लिख दिए हैं, ठीक है। आप चाहें तो एक बार इन्हें खुद सॉल्व करके आप अपना आंसर्स निकालिए और इनके साथ मैच कर लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं टाइप टू के ऊपर। टाइप टू में क्या है बेटा, कहता है कि अगर आपके पास सिंपल फंक्शन आ जाए, ठीक है, सिंपल फंक्शन से मेरा मतलब है वो सारे फंक्शन जो हमने इससे पहले फॉर्मुलाज की कैटेगरी में देखे थे, ठीक है, अगर आपके पास वही आ जाए सिंपली फिर तो आप उन्हीं को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगर वो ना आकर उनके अंदर फंक्शन में सिर्फ x होने की बजाय ax plus b यानी कोई लीनियर टर्म आ जाए, इस चीज को समझ लीजिए, बहुत सिंपल सी चीज है। कहता है कि अगर फंक्शन में आपके पास सिंपल फंक्शन, मैं फिर से बात बोल रहा हूं जो सिंपल फंक्शन का मतलब है फॉर्मुलाज, कहता है वहां पे x की बजाय x के अंदर लीनियर आए, ठीक है, तो क्या करना है वो मैं अभी बताऊंगा। अगर उसके अंदर लीनियर नहीं आया यानी कुछ ऐसा आ गया जिसमें डिग्री 2 है, फिर जो अब हम करने वाले हैं वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने आने वाली अगली टाइप्स में भी इस पार्ट को बहुत बार यूज करना है। नाउ अगर आप इसी तरह ध्यान से देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को, अगर एक मिनट के लिए मैं इसके मान के चलूं, अगर मैं इसको x पावर 5 लिखता हूं तो ये मेरी x पावर n वाली शेप बनती है, बट यहां पे इस बार x पावर n की बजाय ax plus b वाली शेप बन रही है, लीनियर शेप बन रही है, उसकी पावर n है, तो यहां पे फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा होल पावर, वहां पे क्या होता था n plus 1 upon n plus 1, यहां पे भी हो जाएगा 5 plus 1 upon 5 plus 1, बट यहां पे एक चीज एक्स्ट्रा होगी साथ में कि जो भी x का कोफिशिएंट है
जो भी x का कोफिशियंट है आपके आंसर को उसके साथ डिवाइड करना होगा, x के कोफिशियंट 2 के साथ डिवाइड करना होगा, 2 के साथ डिवाइड करना मतलब 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करना, प्लस सिमिलरली यहां पे देखिए 3x plus 2, अब ये भी ax plus b की शेप बन रही है, ठीक है, तो यहां पे भी ax plus b की पावर 1 बाई 2 है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 3x plus 2 की पावर 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1, इसको भी हम x के कोफिशियंट 3 से डिवाइड करेंगे, क्लियर है, चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं है, स्टार्ट करते हैं अगले पार्ट के साथ, 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x, अब जनरली हमारे पास जब ये 1 प्लस cos x या 1 माइनस cos x ऐसी शेप दिखाई देती है तो हमारे दिमाग में आता है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मुला देखा हुआ है 1 प्लस cos 2x का, 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos x, तो जिसको थोड़ा सी ट्रिग्नोमेट्री याद है उसे ये बातें याद होंगी कि अगर यहां माइनस आ जाता है तो यहां 2 sin x का फॉर्मुला बन जाता है, ठीक है, तो अगर यहां पे एंगल 2 था यहां 1 हो गया, यानी एंगल हाफ हो रहा है वहां पे, तो ये मल्टीपल एंगल फॉर्मुलास की हेल्प से अगर मैं यहां पे 1 माइनस cos x का फॉर्मुला लगाऊंगा तो वो मुझे देगा 2 sin x / 2, ठीक है, वो मुझे देगा 2 sin x / 2, ये 1 प्लस cos x मुझे देगा 2 cos x / 2, 2 से 2 गया dx, ये बन गया tan x / 2, tan x / 2, आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हमारे पास tan का स्क्वायर दिखाई देता है इंटीग्रेशन के अंदर तो हमारे पास उसका जो वे आउट है वो सिंपल सा वे आउट है कि हम tan स्क्वायर को लिख लेते हैं secant स्क्वायर माइनस 1, अब यहां secant स्क्वायर x / 2 है तो हम लिखेंगे, सॉरी tan स्क्वायर x / 2 है तो हम लिखेंगे secant स्क्वायर x / 2 माइनस 1, क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि secant स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मुला है हमारे पास, वो यहां पे मैंने मिडिल में 10 फॉर्मुलास लिखे थे इससे पहले, चाहो तो पीछे जाके चेक कर लो, तो secant स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मुला होता है tan, बट प्रॉब्लम यह है कि इस बार हमारे पास फॉर्मुला जो था वो secant स्क्वायर x का था, अब यहां पे secant स्क्वायर x / 2 है, ठीक है, फिर वही बात आ गई कि फंक्शन के अंदर अब सिर्फ x नहीं है, x के अलावा कुछ कांस्टेंट टर्म्स भी पड़ी है, तो क्या थी वो कांस्टेंट टर्म, यहां पे x / 2 है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी tan x / 2, इंटीग्रेशन हो जाएगी tan x / 2, जो x का कोफिशिएंट है उसके साथ डिवाइड कर दोगे, x का कोफिशिएंट 1 / 2 है तो 1 / 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस x प्लस c, सिंपल है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर यहां 1 प्लस cos x का आपने रैशनलाइज किया था, यहां 1 प्लस cos x को रैशनलाइज क्यों नहीं किया, या फिर जो 1 प्लस cos x का फॉर्म है यहां वहां लगा रहे हो यहां पे लगाओ, देखो ऐसे रट्टे मारने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, न्यूमरेटर कैसा है डिनोमिनेटर कैसा है, उसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट, ये बाय प्रैक्टिस आप समझ जाओगे, डोंट वरी, आपको चीजों को रट्टा बिल्कुल नहीं मारना पड़ेगा, जैसे जैसे आप चीजों जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे आपको प्रैक्टिकली फील होता रहेगा कि कहां पे कौन सा फॉर्मुला लगाना है। Now, coming to this part, 1 upon root 2x plus 3 plus root 2 of x minus 3. एक, अब इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा जो हम आगे भी यूज करते रहेंगे। देखिए एक मेंटेलिटी जो होती है इंटीग्रेशन को क्वेश्चंस को सॉल्व करने की वो ये होती है कि हमें डिनोमिनेटर को जितना स्क्वीज हो सके उतना करना है, जितना छोटा से छोटा डिनोमिनेटर होगा उतना हमारे लिए बेटर होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा, न्यूमिनेटर अगर एक्सपेंड हो जाए तो कोई बात नहीं हम उसको हैंडल कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में हमारा टारगेट होता है कि उसको स्क्वीज करके एक सिंगल टर्म बना पाए, ठीक है, अगर सिंगल टर्म बना पाते तो हमारे लिए उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है, अगर उसमें एक से ज्यादा टर्म्स होंगी एडिशन में तो हमारे लिए वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देता है। Now, इसी तरीके से जब रूट वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे रूट वाले, ये हमने लिमिट्स के जब हम 11th में पढ़ते हैं लिमिट्स के चैप्टर में भी ये चीजें आती हैं, कंटिन्यूटी में भी हम ये चीजें पढ़ते हैं, जब कंटिन्यूटी कैलकुलेट करनी होती है तब भी मैंने यही सिखाया कि अगर डिनोमिनेटर में रूट्स आ जाए, ठीक है, तो हम एक जो मेथड ट्राई करते हैं वो करते हैं कि हम उनको रैशनलाइज कर देते हैं, जो कि हर बार काम भी करता है, अगर हम इसको रैशनलाइज कर देंगे तो उससे फायदा ये होगा कि डिनोमिनेटर से रूट खत्म हो जाएगा, डिनोमिनेटर से रूट खत्म हो जाएगा, ऑल्दो न्यूमिनेटर में आ जाएगा बट लेकिन मैंने बोला कि न्यूमिनेटर हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका जब हम रैशनलाइज कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसको इसके a माइनस ये a प्लस बी है, a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, जो रहेगा 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 2x कट गया, ये प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6 हो गया, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6 हो गया। नाउ फर्दर, अब ये अभी भी इंटीग्रेशन के अंदर है, ठीक है, ये 6 है ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, जो 6 है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा बेटा, इसको यहीं पे लिख रहा हूं, 6 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। Now, अब बचा हुआ पार्ट 2x plus 3 का रूट माइनस 2x minus 3 का रूट बेटा, अब देखो ध्यान से, अब फिर से वही आ गया ax plus b की शेप आ गई, ax plus b, अब यहां पे अगर ax plus b की बजाय अकेला x पावर n होता, x पावर n की हमें पता इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आती है x पावर n plus 1 upon n plus 1, ठीक है, अब यहां पे x की बजाय ax plus b हो गया, वही बात होगी कि फंक्शन में हम फंक्शन के अंदर x को हटा के हमने ax plus b रिप्लेस कर दिया, ठीक है, यानी लीनियर जो पॉलीनोमियल है वो रिप्लेस कर दिया, तो फिर से जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वही कर देंगे हम, 2x plus 3 power 1 by 2 minus 2x minus 3 power 1 by 2, तो इनकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 1 by 6, 2x plus 3 की पावर 3 by 2 upon 3 by 2 minus 2x minus 3 की पावर 3 by 2 upon 3 by 2, सिंपल, क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, e power 2x minus 3, वैसे e power x की इंटीग्रेशन होती है e power x, ठीक है, सिंपल है, बस यहां पे हमने क्या किया x को हटा के लीनियर रख दिया, x को हटा के लीनियर रखोगे तो फॉर्मुला सेम रहेगा, फॉर्मुले में कोई वेरिएशन नहीं करनी है, एक छोटा सा एडिशन आपको करनी है वो ये कि जो भी x का कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करना है, जो भी x का कोफिशिएंट उसे डिवाइड करना है तो ओवरऑल 2 से डिवाइड हो जाएगा, एक चीज मैं यहां पे भूल गया, हमने x के कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं किया, x का कोफिशिएंट 2 है
तो 1 बाई 2 आ जाएगा, इधर भी x का कोफिशिएंट 2 है तो 1 बाई 2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये जो डिवीजन कर रहे ना 3 बाई 2, ये फॉर्मूले की डिवीजन है, x पावर n की जो थी ना n प्लस 1 पावर n प्लस 1, ये नीचे n प्लस 1 वाला डिवीजन है, ये हमने साथ में हमेशा करना है, x के कोफिशिएंट से हमेशा डिवाइड करना है, अगर हम ये ax प्लस b वाला मेथड लगा दें तो। नाउ ये सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं है। नाउ फिर से बात आ गई tan स्क्वायर पे, tan स्क्वायर 2x - 3, tan स्क्वायर को आई थिंक हम ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं, ठीक है। जब tan स्क्वायर आता है तो tan स्क्वायर का सिंपल तरीका है, tan स्क्वायर को हम secant स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं हर बार, यहां पे इजीली कर सकते हैं तो कर देंगे - 3 - 1, ठीक है। अब जो secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी हमें पता क्या होती है, tan tan ऑफ, फार्मूला सेम रहेगा, अंदर में कोई चेंज नहीं आएगा, 2x - 3 tan ऑफ 2x - 3 डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट दैट इज 2, tan 2x - 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स, ये माइनस वन की इंटीग्रेशन होती है माइनस एक्स प्लस सी, प्लस सी मत भूलो, कई बार मैं भूल जाता हूँ बट तुम मत भूलना इसको, ठीक है। ओके, एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर 4 बेटा। अब क्या करना है, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 1, इस 3 को हम लिख सकते हैं, अब हमारा टारगेट क्या है, जैसे मैंने पहले भी बोला था डिनोमिनेटर कम करना है, न्यूमिनेटर बढ़ जाए कोई चक्कर नहीं, मैं क्या चाहता हूँ एक्स प्लस 3 यहाँ पे है, नीचे एक्स प्लस 1 है, तो मैं एक्स प्लस 3 को लिख सकता हूँ, जो नीचे है वो ऊपर बना सकता हूँ, हो गया x प्लस 3, ये ऊपर बन जाएगा x प्लस 1 प्लस 2, 3 को मैं लिख लिया प्लस 1 प्लस 2, क्यों, ताकि मुझे नीचे x प्लस 1 जैसा दिखाई दे रहा है, अब इसे x प्लस 1 की पावर 4 दोनों को नीचे अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब ये कट के क्या होगा, ये कटेगा पावर 3 दे देगा यहां पे कट के, ठीक है। अब ये 1 अपॉन x प्लस 3 की पावर 3 है, ये 2 अपॉन x प्लस 1 की पावर 4 है, इसको अगर मैं फर्दर देखूं, ये x प्लस 1 के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उत्तर x प्लस 1 की पावर माइनस 3, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 इंटू x प्लस 1 की पावर माइनस 4, ठीक है। अब आपको फर्दर इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है, x प्लस 1 की आप इंटीग्रेशन वही फिर से x पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब यहां पे x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से मतलब डिवाइड करना, आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब यहां पे भी जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 2 तो इंटीग्रेशन से बाहर ही निकल जाएगा, x प्लस 1 की इंटीग्रेशन फिर आप इसी फॉर्मूले से करेंगे, ax प्लस b वाले हेल्प लेंगे, ठीक है। और यहां पे भी x का कोएफिशिएंट 1 है तो डिवाइड आपको किसी से नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी आपको लगता है कि कोई डाउट है या कोई चीज आपको लगा कि क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में वो टाइम मेंशन कर दीजिए। चलिए बाकी देखते हैं इस टाइप 3 को देखने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप अपने अगर आंसर मैच करना चाहते हैं तो इससे पहले वाले फ्रेम में ये पार्ट कट रहा था, अगर आपका आंसर कुछ मिस मैच है तो एक बार चेक कर लीजिए। नाउ अब टाइप 3 देखते हैं, टाइप 3 को समझने से पहले हमें एक कांसेप्ट समझना होगा, दैट इज इंप्रॉपर फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का, वो भी पॉलीनोमियल्स के अंदर। जब हमारे पास कुछ पॉलीनोमियल्स अगर डिवीजन में होती हैं तो वो दो टाइप की पॉलीनोमियल्स हो सकती हैं, या तो वो इंप्रॉपर पॉलीनोमियल्स हो सकती हैं या प्रॉपर पॉलीनोमियल्स हो सकती हैं। अब ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये क्या है ग्रेटर देन और लोअर देन, इसके लिए आपको डिग्री का पता होना चाहिए कि px की डिग्री क्या है और qx की डिग्री क्या है। अगर px की डिग्री यानी मैक्सिमम पावर इन px जो है वो ज्यादा है qx से तो हम उसे बोलते हैं इंप्रॉपर फ्रैक्शन, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन कहना है आपको तो उसमें px की जो डिग्री है वो qx से कम होगी, ऑब्वियसली जो प्रॉपर नहीं होगा वो इंप्रॉपर होगा। अब अगर इक्वालिटी आ जाए, अगर दोनों की डिग्री सेम हो जाए तो वो इंप्रॉपर की कैटेगरी में चला जाता है। नाउ कमिंग टू द पार्ट की अगर हमारे पास इंप्रॉपर हो तो उसे प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो बेटा इंप्रॉपर के केस में हम उसे करते हैं डिवाइड, डिवाइड करते हैं जैसे हम नंबर्स के अंदर, अगर आप देखो ये 5 बाय 4 ये एक इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 5 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 1 4 1 तो ये बनता है, अगर मुझे इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, मुझे इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 5 बाय 4 को मैं लिख सकता हूं कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, कुछ ऐसे बनता है ये, ठीक है मिक्स फ्रैक्शन, तो ये मेरी मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी। सिमिलरली जब मैं बिल्कुल सेम वे में जब हम पॉलीनोमियल्स को डिवाइड करते हैं तो उसी तरीके से पीएक्स वन क्यू एक्स को भी हम ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, यहां पर जो कोएफिशिएंट है मेरा वो क्यू वन एक्स है, क्यू वन एक्स प्लस आर एक्स अपॉन क्यू एक्स, क्यू वन एक्स प्लस आर एक्स अपॉन पी एक्स, सॉरी क्यू एक्स आएगा यहां पर क्यू एक्स आएगा, ठीक है। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। जब ये मिक्स फ्रैक्शन होगा बेटा तो ये जो अगर आपने सही किया है इसे कुछ गलती नहीं करी डिवीजन के केस में तो ये वाली जो फ्रैक्शन आपकी बनेगी ये हमेशा आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी, ऑलवेज प्रॉपर बनेगी, क्लियर है। जब प्रॉपर बन जाएगी फिर हम उसे नॉर्मल इंटीग्रेशन में सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगर वो प्रॉपर नहीं है इंप्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में जा रहा है इंप्रॉपर में है तो उस इंप्रॉपर को पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं फिर हम उसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अब देखते हैं टाइप 3, टाइप 3 के अंदर क्या है, टाइप 3 के अंदर हम जनरली ऐसे पार्ट्स को कंसीडर कर रहे हैं जिसमें हमारे न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ पॉलीनोमियल्स पड़े हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो हम टाइप कवर करने वाले हैं उस वो टाइप है px upon ax plus b, यानी ऊपर कुछ पॉलीनोमियल होगी उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है 2 3 4 1 कुछ भी डिग्री हो सकती है, बट जो डिनोमिनेटर है उसमें जो है वो एक सिंगल डिग्री का ही पॉलीनोमियल लेता है, हाँ उस सिंगल डिग्री का होल स्क्वायर हो होल क्यूब हो, होल में यहां पे पावर में n आ सकता है बेटा,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन ऐसे नीचे जो है अंदर जो है उसके वो एक सिंगल डिग्री ही होना चाहिए, तभी हम इसको डील कर सकते हैं। अगर डिग्री अंदर डिग्री वन से ज्यादा कुछ अलग होगी तो उसके लिए अलग मेथड्स हैं। फिलहाल टाइप थ्री के लिए हम अगर ऊपर कुछ भी पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर में लीनियर की कुछ पावर अगर है तो उसको कैसे हैंडल करना है, उस केस में हमारी कोशिश होती है कि हम जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में बना पाए। जैसे यहाँ पे x प्लस टू है तो ऊपर भी मुझे x प्लस टू की रिक्वायरमेंट है कि ऊपर भी x प्लस टू बना पाऊं मैं, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूं बेटा, जो x क्यूब है मैं x क्यूब को लिख सकता हूं x प्लस टू माइनस टू का क्यूब, x प्लस टू माइनस टू का होल क्यूब। नाउ ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में x प्लस टू पड़ा था इस वजह से मुझे ऊपर भी x प्लस टू की रिक्वायरमेंट थी। तो अब मैं क्या करूंगा इसमें x प्लस टू माइनस टू, ठीक है, अब इसका a माइनस बी का होल क्यूब ओपन कर देंगे बेटा। जब हम a माइनस बी का होल क्यूब ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके अब फर्दर हम क्या करेंगे, अब हम इस x प्लस टू पावर फोर को इन चारों टर्म्स के नीचे अलग अलग कर देंगे। जब हम चारों टर्म्स के नीचे अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे x प्लस टू की पावर फोर आ जाएगा बेटा, ठीक है। सिमिलरली ये माइनस थ्री x प्लस टू का स्क्वायर अपॉन x प्लस टू की पावर फोर आ जाएगा, ये प्लस है यहाँ पे भी x प्लस टू की पावर फोर आ जाएगा, यहाँ पे भी x प्लस टू की पावर फोर आ जाएगा बेटा, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, सबकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, सबकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। जब सबकी इंटीग्रेशन करने अलग अलग करेंगे बेटा, यहां से ये x plus 2 की पावर 3 और ये नीचे सारी पावर कट जाएंगे, अकेले x plus 2 रह जाएगा, यहां पे x plus 2 का स्क्वायर और यहां पे भी 4 की पावर जो है वो कम होकर 2 रह जाएगी, यहां पे x plus 2 की कटिंग होगी तो यहां पे भी 3 रह जाएगा और यहां पे तो है ही नहीं है। नाउ अब आप इसे फर्दर देखेंगे, जब आप इसको अगर आप इसको क्लीन मतलब इसको दोबारा लिखते हैं सिंप्लीफाई करके तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। नाउ जब हम सबकी इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, जब हम इन सबकी इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन x प्लस 2 की इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस 2 आ जाएगी टाइप 2 से। सिमिलरली x प्लस 2 का होल स्क्वायर जब ऊपर चला जाएगा 6 बाहर आ जाएगा फिर से टाइप 2 की हेल्प से, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ऐसे x प्लस 2 का क्यूब जब ये ऊपर चला जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पावर 4 है बेटा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी x प्लस 2 की पावर माइनस 4 हो जाएगा। तो इसको इस हर एक पार्ट को हम टाइप 2 की हेल्प से इसे सॉल्व कर देंगे, जब सॉल्व कर देंगे तो उसका आंसर कुछ ऐसा दिखाई देगा। सिमिलरली अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारी इस ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच है बेटा वो लगभग सेम ही है। अब x प्लस वन का स्क्वायर है ऊपर x का क्यूब है, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ x प्लस वन माइनस वन का होल क्यूब, ये मैंने बस क्यूब के अंदर जो x है उसको चेंज किया, ठीक है, x प्लस वन के स्क्वायर के साथ। जो क्वेश्चन है आगे इसकी इसका जो सॉल्विंग प्रोसीजर है वो आइडेंटिकली सेम है जैसे मैं ऊपर किया था। एक बार आप अगला थर्ड भी देख लीजिए साथ के साथ, थर्ड के केस में भी हम सेम ही करेंगे। अब हमारे पास x प्लस टू है, अब यहाँ पे हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस टू माइनस टू का क्यूब, ठीक है, या तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बट लेकिन यहां पे मेरे पास एक इससे इजियर ऑप्शन भी अवेलेबल है, वो देखिए जरा क्या है। जो इजियर ऑप्शन है उसमें मैं क्या करूंगा, x प्लस टू, यहां पे x क्यूब है, ठीक है, और अगर x क्यूब प्लस टू का क्यूब लिखा जाए तो इसके फॉर्मूले में x प्लस टू बनता है, ठीक है, मैं फुल फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमें समझना यह है कि हमें x प्लस टू को हटाने से हटाने की कोशिश होती है। तो x प्लस टू को कैसे हटाया जा सकता है, अगर x क्यूब प्लस टू क्यूब भी मिल जाए ना मुझे तो उसके फॉर्मूले में x प्लस टू होता है जो इस x प्लस टू को हटा सकता है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, x प्लस टू माइनस टू करने की बजाय मैं x प्लस टू क्यूब, क्योंकि मुझे टू क्यूब चाहिए, माइनस टू क्यूब कर लूंगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो ये फॉर्मूला हमारा बहुत बड़ा ओपन हो जाता है जनरली, ए माइनस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला है वो काफी बड़ा है जो ओपन हो जाने के बाद, तो वो हमारी लेंथ जो है थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। नो x प्लस टू, अब आप इसके नीचे अलग अलग कर लीजिए, एक्स क्यूब प्लस टू क्यूब अपॉन एक्स प्लस टू माइनस टू का क्यूब इंटीग्रेट, ठीक है। अब इस पे आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो ये एक्स प्लस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस टू माइनस टू का क्यूब करेंगे तो बेटा एट हो जाएगा, ये कट जाएगा, इससे इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सी, आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट के अंदर में क्या देखना है, x क्यूब अपॉन x प्लस टू है। वैसे तो देखने में हमें पता चल रहा है कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी एक तरीका हो सकता है, बट लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए क्या है, जैसे हम पहले ऊपर देखते आए थे बेटा कि ऊपर हम क्या करते थे, हम ऊपर जो नीचे होता था वही बनाने की कोशिश करते थे, हम यहाँ पे भी वो सेम कोशिश कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ एक अप्रोच और है, वो देखिए क्या अप्रोच है, कि अब हमारे पास ऊपर x क्यूब है, मैं चाहता हूं ऊपर x प्लस टू बने, तो अगर मैं यहां पे टू क्यूब लिखता हूं तो इसका फॉर्मूला ओपन करने पे x प्लस टू मिल जाता है जो नीचे वाले x प्लस टू को कट कर देगा, ठीक है। तो ये एक और अप्रोच हो सकती है, तो मैं इसको लिख रहा हूं x क्यूब प्लस टू क्यूब माइनस टू क्यूब होल अपॉन x प्लस टू। जब ये करूंगा बेटा तो अंदर कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये x क्यूब प्लस टू क्यूब माइनस टू क्यूब, नीचे x प्लस टू इसके भी आ जाएगा, नीचे x प्लस टू इसके भी आ जाएगा। आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे तो x प्लस टू बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर
माइनस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू माइनस एट अपॉन एक्स प्लस टू, ये इसे कट जाएगा और यहां पे जब इंटीग्रेशन करने की बात आएगी तो हम तीनों के अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, और यहां पे जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग वाला आंसर आ जाएगा। जब इसको पूरे का सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर कुछ ऐसा दिखाई देगा, राइट। चलिए अब अगला फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट, एक्स पावर सेवन अपॉन एक्स प्लस वन। जब x पावर 7 अपॉन x प्लस 1 है, वैसे हमें देखने में पता चल रहा है कि इम्प्रॉपर है, तो इसे प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे जैसे बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट आ सकता है कि सर यहां भी इम्प्रॉपर नहीं था, आपने प्रॉपर में कन्वर्ट नहीं किया, आपने ऐसे ही सॉल्व कर दिया, तो क्या हम यहां पे भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, तो बिल्कुल आप यहां पे भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, बट यहां पे अगर आप ऐसे सॉल्व करने जाएंगे तो ऊपर की पावर 7 है, तो 7 में हमें फिर बाइनोमियल लगानी पड़ेगी, जो कि क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथियर बना देगा। ठीक है, तो इस वजह से इस केस में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे प्रॉपर में ही कन्वर्ट करें। जैसे यहां पे प्रॉपर में कन्वर्ट करें, आप यहां पे भी प्रॉपर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार अगर जिन बच्चों को नहीं पता कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उनके लिए क्विकली मैं एक बार ये करके दिखा देता हूं। एक्स पावर सेवन अंदर है, बाहर एक्स प्लस वन है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई, तो उसमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, एक बार देख लेते हैं क्विकली। अब हमारे यहां पर एक्स प्लस सेवन है, यहां पर एक्स है, तो मुझे एक्स सेवन बनाने के लिए मुझे एक्स पावर सिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने एक्स पावर सिक्स से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई किया, तो ये बना एक्स पावर सेवन प्लस एक्स पावर सिक्स। ठीक है, अब आप इसे आगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस, और ये माइनस एक्स पावर सिक्स बचेगा। सिमिलरली अब मुझे एक्स को एक्स पावर माइनस एक्स पावर सिक्स बनाना, तो मैं इसे माइनस एक्स पावर फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा पूरी टर्म को, माइनस एक्स पावर सिक्स माइनस एक्स पावर फाइव, इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस एक्स पावर फाइव बचेगा। सिमिलरली अब मुझे x को x पावर 5 बनाना है, तो मैं प्लस x पावर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये चेन चलती चली जाएगी, लास्ट में मुझे रिमाइंडर माइनस 1 मिल जाएगा। और हमने पहले हम सीख चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो उसे हम प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए मिक्स फ्रैक्शन बना देते हैं, तो उसकी मिक्स फ्रैक्शन कुछ ऐसी दिखाई देगी। जब ये मिक्स फ्रैक्शन आपकी ऐसी बन जाएगी, तो अब आप देखेंगे कि जब हमारे पास अब फ्रैक्शन है बेटा, ये अब प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों को। इनकी इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, सिंपल फॉर्मुलाज लगा के इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पे 1 अपॉन x प्लस 1 की इंटीग्रेशन जो है वो हो जाएगी लॉग ऑफ x प्लस 1। ठीक है, तो इसका आंसर निकालना बहुत सिंपल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। अब फिर से वही कहानी आ रही है कि जो हम नीचे की चीज ऊपर बना सकते हैं और बहुत इजीली बन जाएगी। x प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 प्लस 1, ये अलग अलग हो सकता है, x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब x प्लस 1 का स्क्वायर में अब ये टर्म कट जाएगी, 1 अपॉन x प्लस 1 के अब जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगी लॉग ऑफ x प्लस 1, जब आप इनकी इंटीग्रेशन करेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो फिर से टाइप 2 के अंदर आप उसका आंसर निकाल पाएंगे, राइट। तो ओवरऑल आप इसका आंसर जो है ये आ जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 1, इसका आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस सी, ये आपके इंटीग्रेशन का ओवरऑल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब टाइप 4 पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में। अब हम जितनी भी आगे आने वाली टाइप्स हैं हम उन पे ज्यादा फोकस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट्स में, कि जिन क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे सॉल्व होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि साइन अगर अकेला या फिर कॉस अगर अकेला आता है डिफरेंट पावर्स के साथ, उन्हें कैसे हैंडल करना है। जैसे साइन की पावर 1 है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मला होता है हमारे पास माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, कॉस होता है तो उसका डायरेक्ट होता है साइन एक्स प्लस सी, राइट। बट अगर कॉस करेक्ट साइंस करेक्ट जैसे जैसे पावर्स बढ़ती हैं तब हम उनमें डायरेक्ट फॉर्मला नहीं लगा सकते, तो उनके लिए हमें फिर कुछ अलग तरीके से उन्हें सॉल्व करना होता है। इस पूरे पार्ट को समझने के लिए आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलास की रिक्वायरमेंट होगी, स्पेशली आपको यूज करना होगा ये फॉर्मुला cos 2x। cos 2x क्या होता है, 2 cos square x minus 1, ठीक है, यहां से आप cos square x लिख सकते हैं 1 plus cos 2x by 2, ठीक है, ऐसे ही आप sin square x को, इसी का एक फॉर्मुला होता है 1 minus 2 sin square x, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं 1 minus cos 2x by 2, ठीक है। आप इसके बाद अगर आप साइन 3x का फॉर्मुला देखते हैं, साइन 3x का फॉर्मुला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अब यहां से आप अगर साइन x साइन क्यूब x की वैल्यू निकालें तो कुछ आपको ये दिखाई देगी, ठीक है, ऐसे आप cos 3x का भी फॉर्मुला, जब cos 3x का फॉर्मुला लगाएंगे तो कुछ ऐसा होगा वो। हेल्प से हम यहां पे सॉल्व करेंगे बेटा। एक बात जो बेसिक है यहाँ पे वो आपको ये समझना होगा कि जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आती है तो जब ट्रिग्नोमेट्री की कुछ पावर्स आ जाती हैं तो हमारा ही टारगेट ये होता है कि कैसे हम उन पावर्स को पावर 1 में कन्वर्ट करें। मैं समझाता हूँ ये बात। जैसे कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुला स्केल से। इससे क्या हुआ, देखने में ये टर्म थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है बट यहाँ पे बेनिफिट ये है कि अब जो कॉस की पावर है
कॉस की अपनी पावर 1 हो चुकी है, यहाँ पे कॉस की पावर 2 थी। अब आगे जितनी भी हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे आप इसमें यही पैटर्न जो है नोटिस करेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, मैं दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ, 2 को इसके नीचे, 2 को इसके नीचे, प्लस कॉस 2x बाय 2। जब आप इनकी इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाय 2x हो जाएगा, ये वाला 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा, कॉस 2x की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन 2x। सेकंड टाइप के अकॉर्डिंग मैंने बोला था सेकंड टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, 2x x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस c। क्लियर है, सिंपल, बिल्कुल सेम वे में, आइडेंटिकली सेम वे में आपको साइंस करेक्ट करना है। इसमें प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, ये 2 दोनों के नीचे चला जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1 बाय 2x। यहां प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा, हाफ ऑफ ये आ जाएगा साइन 2x बाय 2 प्लस सी कॉस क्यूब एक्स। कॉस क्यूब एक्स, अब कॉस क्यूब एक्स के लिए बेटा मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। अब फिर से आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि राइट साइड पे जो कॉस आपको दिखाई दे रहा है उसकी जो पावर्स है वो 1 ही है, उसकी पावर्स 1 ही है, उसकी पावर ज्यादा नहीं है। तो फिर से मैंने कॉस क्यूब को कन्वर्ट कर लिया सिंगल पावर्स में, जब 4 दोनों के नीचे अलग अलग होगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। जब आप पूरे की इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ होगा 1 बाय 4 साइन 3x बाय 3 प्लस 3 बाय 4, ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, 3 बाय 4 साइन एक्स प्लस सी। क्लियर है, बिल्कुल सेम वे में आप साइन क्यूब एक्स के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे अलग अलग करके तो 3 बाय 4 साइन एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉस एक्स, माइनस आ जाएगा, यहां पे प्लस हो जाएगा 1 बाय 4 कॉस 3x बाय 3। राइट, इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे पावर 4 हो जाएगी, अगर हम पावर बढ़ा देते हैं और तो भी हम फॉर्मूला लगभग सेम ही लगाएंगे, मैं एक बार दिखाता हूं करके। कॉस 4x है तो कॉस 4x को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। मैं यही वाले फॉर्मूले इसमें यूज करने वाला हूं, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब जब इस पे फिर से इसे ब्रैकेट ओपन करते थे बेटा, ये फॉर्मूला जो मैं इरेज कर रहा हूं, आप चाहे तो वीडियो रिवाइंड करके एक बार फॉर्मूले को याद जरूर कर लीजिए। इज इक्वल टू, अब ये जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगी 1 बाय 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पे ध्यान दीजिए, 1 की इंटीग्रेशन करना बहुत सिंपल है, 2 cos 2x की भी इंटीग्रेशन करना बहुत सिंपल है, क्योंकि दोनों में कहीं पे जैसे यहां पे भी cos की पावर सिंगल ही है बट यहां पे cos की पावर 2 है, तो cos की पावर 2 को हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो फिर क्या करेंगे मैं जरा बताता हूं। 1 की इंटीग्रेशन हम कर लेंगे आसानी से, 2 cos 2x की इंटीग्रेशन हम कर लेंगे आसानी से, बट cos के 2x इसकी इंटीग्रेशन हम आसानी से नहीं कर पाएंगे। cos के 2x के लिए हमने क्या सोचा था कि अगर हमारे पास cos स्क्वायर आ जाता है तो उस केस में फिर हम फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला में हमने क्या देखा था कि अगर लेफ्ट साइड पे कॉस स्क्वायर था तो कुछ ऐसा था फॉर्मूला। नोटिस करने वाली चीज है कि यहां सिंगल एक्स है यहां डबल हो गया, तो यहां पे एंगल जो है वो डबल हो रहा है, तो अगर यहां पे 2x है तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे तो एंगल बन जाएगा कॉस 4x, नीचे 2 ही रहेगा, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, जो कॉस स्क्वायर आया था मेरे पास, जो कॉस स्क्वायर बचा था मैंने फिर से उस पर आइडेंटिटी लगा दी, क्यों, क्योंकि मुझे उसकी पावर जो है वो सिंगल बनानी थी, तो पावर उसकी सिंगल बन गई, तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 1 बाय 2x प्लस, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे आप तो बनेगा साइन 2x, वो 2 की 2 से कटिंग हो जाएगी 1 बाय 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास प्लस 1 बाय 2 ऐसे ही रहेगा साइन 4x बाय 4 प्लस सी। क्लियर है, इस तरह से आप cos 4x सॉल्व करेंगे, जैसे आपने cos 4x सॉल्व किया एकदम आइडेंटिकली आप sin 4x सॉल्व करेंगे, sin उसको लिखेंगे आप पहले sin के स्क्वायर का स्क्वायर, जब sin के स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे तो आप उसमें जो हमारा sin स्क्वायर वाला पार्ट है इसको आप लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 का होल स्क्वायर, यहां पे बेटा 4 आएगा, 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 का होल स्क्वायर है ना, यहां 4 आएगा, ये 4 रहेगा 4, यहां तो 2 ही होगा, यहां होल स्क्वायर की वजह से बेटा 4 आ रहा है, तो ये भी 1 बाय 4 हो गया, ये तो पूरा ही ऐसे है, ठीक है। तो सिमिलर वे में आप यहां पे भी अप्लाई करेंगे, एकदम बिल्कुल सेम अप्लाई करेंगे, कुछ बेसिक प्लस माइनस के चेंजेस के साथ आंसर लगभग सेम दिखने वाला ही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ऐसे जब पावर 4 के बाद अगर हम बात करते हैं पावर 6 की, तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। कॉस पावर 6x में हम क्या करेंगे, पावर 2 की पावर 3 कर सकते हैं आप,
ठीक है, स्क्वायर का क्यूब कर सकते हैं, स्क्वायर को कैसे ओपन करना है आपको मालूम है, जब स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यहाँ क्यूब आ जाएगा, ये 2 तो बाहर निकल गया, 1/8 बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x पे फिर से आप a प्लस बी होल क्यूब लगा देंगे, जब a प्लस बी होल क्यूब लगाने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा, पहली 2 टर्म्स ठीक है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉस की कुछ ज्यादा पावर नहीं है, कॉस की पावर 1 है या तो है ही ओनली 1, तो यहाँ पे पावर 2 है पावर 3 है, फिर से पावर 2 को हमने सिंगल पावर में कन्वर्ट किया और पावर 3 को सिंगल पावर में कन्वर्ट किया, जब आप ये करेंगे जरा ध्यान से कीजिएगा, नाउ जब इसको सॉल्व कर लेते हैं आप सारा सॉल्व करने के बाद, तो फिर से उसके बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन जब कर दी सबकी तो आपको कुछ ऐसा आंसर मिल जाएगा, राइट, जैसे कॉस पावर 6x किया है बिल्कुल सेम वे में आप साइन पावर 6x भी कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप ऐसे ही 6 से आगे बढ़ते हैं पावर 8 पे, 6 से आगे बढ़ते हैं पावर 8 में, तो क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी बट लेकिन जो करने का प्रोसेस है वो एकदम सेम ही रहेगा। मैं एक बार आपको उसका सिर्फ हिंट दे देता हूं कि कैसे होगा वो। कॉस पावर 8x है बेटा, इसको आप कॉस 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, आप इस पे फॉर्मुला लगाएंगे उसकी पावर 4 ओपन करेंगे, फिर वहां पे 5 टर्म्स ओपन हो जाएंगी, फिर उसमें से 2 टर्म्स जैसे यहां पे थी, 2 टर्म्स के अलावा जो बाकी की टर्म्स होंगी उनमें आपको उस पे आपको फिर से फॉर्मुला लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन की लेंथ जनरली बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है तो इस वजह से क्वेश्चन पेपर में नहीं डाले जाते, बट मैं चाहता हूं कि अगर हम एक टाइप के अंदर हम आए हैं तो आपको सारी टाइप्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर आने वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि सर आपने पावर जो है 1, 2, 3, 4 के बारे में बताया, 5 नहीं बताया, 6 बताया, 7 नहीं बताया, आपने 8 बताया, यानी जो ये पावर 5 है, ये पावर 7 है या पावर 9, 11, जब ऐसी ऑड पावर्स आएंगी तब हमें क्या करना है, तो क्या है वहां पे ये जो पावर 3 वाला वे जो है ये क्या ये काम करेगा या कुछ और हमें इसमें किसी और तरीके से करना होगा। सो द आंसर इज कि हम ऐसे तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे जैसे हमने क्यूब को किया, क्योंकि क्यूब के लिए हमारे पास डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मुला था, 5 और 7 के लिए डायरेक्ट फॉर्मुला नहीं है, तो आगे आने वाली टाइप्स में आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, तब मैं मेंशन करूंगा, आपको याद दिलाऊंगा कि हमने यहां पे साइन पावर 5 कॉस पावर 5 साइन पावर 7 कॉस पावर 7, सिमिलरली जो सब्सिक्वेंट ऑड पावर्स हैं वो हमने अभी मेंशन नहीं करी है, वो आगे आने वाले पार्ट में वो भी मेंशन करेंगे, ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसी टाइप के अंदर हम अगली चीज देखते हैं, इसमें हम क्या देखेंगे कि साइन एक्स, पहले हमने देखा साइन एक्स और कॉस एक्स अकेले पड़े थे विद डिफरेंट पावर्स, अब क्या होगा साइन एक्स और कॉस एक्स का कॉम्बिनेशन होगा, बट इस कॉम्बिनेशन में भी आपको ध्यान रखना है कि दोनों की पावर सेम है, यहाँ पे 1-1 पावर है, 2-2 पावर है, 3-3 पावर है, 4-4 पावर है, आगे आने वाले टाइप्स में हम डिफरेंट पावर्स की भी बात करेंगे, बट अगर पावर सेम आ जाती है तो उसके इसमें क्या कर सकते हो, उसके इसमें साइन एक्स और कॉस एक्स है, तो हमें मालूम है एक साइन 2x का फॉर्मुला हुआ करता था, एक फॉर्मुला जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो ये वाला फॉर्मुला बहुत यूज होगा, 2 sin x cos x, ठीक है, इस फॉर्मुला को हम चारों क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो फॉर्मुला क्या है, ये फॉर्मुला कैसे हम यहाँ पे यूज करेंगे, अब हमें यहाँ पे साइन 2x बना सकते हैं हम, कैसे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, जो कांस्टेंट जो नीचे वाला 2 है ये बाहर आ जाएगा, ये ऊपर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे जाएगा, अब आप सिंपल साइन 2x की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, ठीक है, अगेन मुझे अब इसमें वही चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, और 2 का स्क्वायर 4 होगा तो बाहर आके ये 4 हो जाएगा, अब ये बन गया कितना 1/4 साइन स्क्वायर 2x, और फिर से जैसे हमने साइन स्क्वायर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इस बार जब आप इसको चेंज करेंगे 1/4 जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये यहां पे कुछ ऐसा बनेगा 1 cos 4x/2, ठीक है, इंटीग्रेशन करने से पहले जब आप इसे चेंज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलास में तो यहाँ पे कॉस 4x बन जाएगा, पहले यहाँ पे 2x बनता था क्योंकि एंगल डबल हो रहा है, 2x से 4x हो जाएगा, वहां पे सिंगल x था तो डबल हो रहा था 2x आ रहा था, सिमिलर बिल्कुल सेम वे में ये थर्ड भी करेंगे, इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो बाहर 8 आ जाएगा, अंदर आपको मिलेगा साइन 2x का क्यूब, और जो हमने पहले किया था बिल्कुल सेम वे में आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, साइन क्यूब को। सिमिलरली अब यहाँ पे पावर 4 है तो बिल्कुल सेम वे में बाहर 16 आ जाएगा, अंदर आपका 16 आ जाएगा, अंदर ये बन जाएगा साइन 2x की पावर 4, तो जैसे 4 किया था वैसे ही आगे सॉल्व हो जाएगा, जैसे 4 वाला सॉल्व किया था वैसे ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली पावर 6 and 6 होगी तो जैसे ये वाला किया है तो वैसे ही वो सॉल्व होगा, ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको सारी बात समझ में आई होगी, राइट, चलिए अब अगली टाइप देखते हैं। अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप में क्या होगा, अभी हमने जैसे पहले टाइप देखी थी उसमें देखा था कि साइन और कॉस की जो पावर्स थी बेटा वो दोनों सेम थी, पावर्स दोनों सेम थी, बट अब हमारी नेक्स्ट टाइप में देखेंगे कि अगर पावर्स डिफरेंट आ जाती है तो उस केस में क्या करते हैं। इस टाइप को समझने के लिए आपको पहले सब्स्टिट्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जितनी भी टाइप्स हमने टाइप 4 तक करी है उसमें हमने कोई भी सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात नहीं करी है, हमने सब्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन नहीं करी है कि सब्स्टिट्यूशन हमें इंटीग्रेशन में कैसे हेल्प करती है और कैसे हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन, उसके लिए मैं आपको एक बार क्विकली कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं ताकि आपको चीजें इजीली क्लियर हो जाए। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आपके पास एक फंक्शन होता है, ठीक है, साथ फंक्शन की कुछ पावर हो सकती है, साथ में उस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है आपके पास, ठीक है, या फिर ये एक ऐसा तरीका आपको दिखाई देगा, दूसरा आपको कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है कि एक फंक्शन है जो डिनोमिनेटर में पड़ा है, ठीक है, अगर तो कुछ ऐसी सिचुएशन है तो उस केस में तो आपका आंसर हो जाता है log of fx plus c, ठीक है, ये कैसे आएगा मैं अभी आपको वो भी बताऊंगा।
ठीक है। और यहां पे अगर इस इंटीग्रेशन का आप आंसर पूछेंगे तो वो बनेगा एफ एक्स की होल पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। मैं आपको एक बार नीचे वाला करके दिखाता हूं, इसका प्रूफ आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में भी हमने सिमिलर वे में ही यूज करना होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास है यही है, मैंने इस वाले पार्ट को एफ एक्स की जगह टी ले लिया, और जब भी हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, हमेशा याद रखना आपको ये बात कि जब भी आप अपने फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन करते हैं इंटीग्रेशन में, और अगर आप यहाँ पे वेरिएबल चेंज करना चाहते हैं तो आपको फिर ये भी चेंज करना पड़ता है। अगर आपको ये भी चेंज करना है तो आपको फिर करना क्या होगा, आपको आप करेंगे इसका डेरिवेटिव दोनों तरफ जो कि बनेगा dt by dx, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि f dash x आपके पास है, आप dx को इस तरफ अगर आप ले आएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, f dash x dx is equal to dt. Now f dash x dx, f dash x dx, ठीक है, ये आपका बन जाएगा dt, और fx को आप t से रिप्लेस कर देंगे तो ये पूरी जो ये वाला पूरा पार्ट है ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, fx की जगह आ जाएगा t, then it will become 1 upon t, और ये दोनों मिलकर कंबाइन होकर dt बना देंगे। 1 upon t की इंटीग्रेशन आप स्टैंडर्ड फॉर्मुला से देखेंगे तो log of t आती है, ठीक है। अब t को फिर से वापस fx से रिप्लेस कर लीजिए, बनेगा log of fx, बिल्कुल सेम वे में आप इसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। जो मेन कैच है बेटा आपको वो यही याद रखना है कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तब आप इसका वेरिएबल भी चेंज करेंगे, dx भी चेंज होगा, और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो की पॉइंट्स आपको हमेशा समझ में जो याद रखने क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कि जब भी ये इस जब भी आप कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं जो आपका इंटीग्रेंड होता है, इंटीग्रेंड बोलते हैं हम उस पूरे पार्ट को जिसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है, उस फंक्शन को जिसकी पूरी हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो इंटीग्रेंड के अंदर एट अ टाइम एक ही वेरिएबल होना चाहिए और वो भी जिसके आप विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर आपके इंटीग्रेंड के अंदर दो वेरिएबल है तो मतलब आपने कुछ गलती करी है या फिर आपने ठीक से सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, ठीक है। और जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको हमेशा सिंगल वेरिएबल में ही दिखाई देगा, राइट ओके। तो जब आप वेरिएबल चेंज करते हैं मेक श्योर कि आप सारे की सारी जगह उसकी रिप्लेसमेंट करें, अगर आप अधूरी रिप्लेसमेंट करेंगे तो फिर वो क्वेश्चन गलत दिखाई देगा, मतलब आपका सॉल्यूशन जो है वो गलत हो जाएगा, ओके। नाउ अब इसी सब्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट को हम यहां पे यूज करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे हम बेटा, कहता है कि अगर आपको m और n डिफरेंट पावर्स आपको दिखाई दें तो उस केस में आप फिगर आउट करो कि आपका m ऑड है या n ऑड है, ठीक है। आपको देखना है कि किसकी पावर में ऑड लिखा हुआ है, जिसकी भी पावर में ऑड लिखा है, ये चीज बहुत ध्यान से समझना, बहुत कंफ्यूजिंग है ये। कहता है कि अगर साइन की पावर में m को ऑड मान के चलो, कहता मान लीजिए अगर m ऑड आ गया यानी साइन की पावर में ऑड आ गया तो आपको बिना देखे कॉस की तरफ आपको कॉस x को t पुट कर लेना है, ठीक है। मतलब आपको सब्स्टिट्यूशन जो करनी है वो कॉस x की सब्स्टिट्यूशन t कर देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है वो भी हम आगे क्वेश्चन में समझेंगे, बट फिलहाल हम सब्स्टिट्यूशन समझ रहे हैं कि इस केस में सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी। अगर आप m ऑड की बजाय आपका n ऑड हो जाता है, इस केस में n ऑड हो जाता है यानी cos की पावर ऑड हो जाती है, अगर cos ऑड हो गया, cos की पावर ऑड होगी तो आपको वाइस वर्सा करना है, मींस आपको sin x को t ले लेना है, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव वगैरह भी करने होंगे, सब करना, बट फिलहाल मैं आपको सब्स्टिट्यूशन कैसे रखनी है वो याद वो बता रहा हूं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। कहते हैं कि अगर आपको मान लो कुछ ये दिखाई दे sin पावर 7x dx, अगर आपको याद हो तो हम जब साइन की सिंगल पावर्स कर रहे थे तो उसमें मैंने 5, 7, 9 ये नहीं बताए थे, क्योंकि मैंने कहा था आगे जाके बताएंगे, वो इसी में हम डिस्कस करेंगे। और देखिए यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन की पावर ऑड है, मैंने क्या बोला था जब साइन की पावर ऑड आएगी, जब साइन की पावर ऑड आएगी तब आपको कॉस एक्स को टी लेना है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें तो कॉस एक्स है नहीं है तो फिर हम कॉस एक्स को टी कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों के आंसर आपको क्वेश्चन में मिलने शुरू हो जाएंगे जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि हम कॉस ना होने के बावजूद भी कॉस को टी कैसे पुट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई पेयरिंग आती है, जैसे मान लीजिए ऐसी आ रही है साइन 7x कॉस 3x सॉरी कॉस 4x, ठीक है, फिर तो सिंपल है क्योंकि साइन की पावर 7 है, ठीक है। तो जिसकी पावर ऑड है दूसरे वाले को टी पुट करना है, ऑड पावर वाले को टी नहीं पुट करना। इससे कई बार बच्चे ये भी कंक्लूजन निकालते हैं कि सर आपने बोला कि जिसकी पावर ऑड है दूसरे वाले को टी पुट करो, दैट मींस अगर जिसकी पावर इवन है, क्योंकि अगर एक की ऑड है दूसरे की इवन होगी, हम ऐसे परसेप्शन बना लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगेन मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन के अंदर मैं ये चीज ज्यादा बेटर वे में क्लियर कर पाऊंगा आपको, बट फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतने माइंड में इसकी सब्स्टिट्यूशन के लिए एक पंचलाइन याद रखिए कि जब भी जिसकी भी पावर ऑड है आप दूसरे वाले को टी पुट करेंगे, जिसकी भी पावर ऑड है दूसरे को टी पुट करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं फिर आप ज्यादा बेटर वे में इसको समझ पाओगे। पहले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, पावर साइन पावर 3x कॉस पावर 4x dx। अब हमारे पास यहां पे साइन की पावर ऑड है, ठीक है। तो हमें जब भी कोई पावर ऑड दिखाई देती है हम समझ जाते हैं कि अगर जिसकी पावर ऑड है हमें उसे नहीं उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पुट करना है। अगर साइन की पावर ऑड है तो हम कॉस को टी ले लेते हैं, कॉस एक्स को टी ले लेते हैं। जब कॉस एक्स को हम टी लेंगे तो इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे, क्योंकि हमें साथ में इसका डेरिवेटिव करना भी जरूरी है क्योंकि हमें ये वाला वेरिएबल भी चेंज करना होता है, तो उसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे वो बनेगा माइनस साइन एक्स dt by dx,
dt by dx, ठीक है। नाउ अब अगर आप इस dx को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, राइट। नाउ माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब मैं इसको जरा से रीअरेंज कर देता हूं सब्स्टिट्यूशन करने से पहले, क्योंकि एक साइन एक्स निकलेगा, दो साइन बचेंगे, साइन स्क्वायर बचेगा, ठीक है। एक साइन एक्स जो है वो डेरिवेटिव के साथ निकलेगा, और कॉस तो मैं चलो ऐसे लिख रहा हूं पावर फोर, ठीक है, साइन एक्स dx। नाउ अब इसकी सब्स्टिट्यूशन करने से पहले हमें पता है इसमें तो dt बनना है, ये बनेगा t, बट साइन स्क्वायर का क्या होगा ये हमें पहले ही सिंप्लीफाई करके रखना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि साइन को ना तो ये t में पुट हो पाएगा ना ये डेरिवेटिव के साथ निकल पा रहा है, तो इस साइन का क्या करेंगे, हम इस साइन को पहले कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने कॉस को t पुट किया हुआ है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम साइन स्क्वायर को लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जो आइडेंटिटी होती है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, उस आइडेंटिटी के हेल्प से हम ये लिख लेंगे कॉस एक्स की पावर 4 साइन एक्स dx। अब आप बहुत केयरफुली आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कॉस एक्स की जगह टी आ जाएगा हर जगह, और साइन एक्स डी एक्स की जगह जो है वो माइनस डी टी आएगा। आई होप आप ये बात समझ पाएंगे, राइट। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, 1 माइनस टी का स्क्वायर टी पावर 4 डी टी, माइनस बाहर आ जाएगा, राइट। नाउ अब आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, अलजेब्रा का इंटीग्रेशन करना सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। जब आप इसको इंटीग्रेट, टी पावर 4 माइनस टी पावर 6 हो जाएगा, तो जब मैं उसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो बनेगा टी पावर 5/5 माइनस टी पावर 7/7, राइट। तो डी टी आ जाएगा, सॉरी इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी। माइनस को अगर आप अंदर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा टी पावर 7/7 माइनस टी पावर 5/5 प्लस सी, राइट। अब आप टी को फिर से रिप्लेस कर दीजिए, जो भी सब्स्टिट्यूशन आपने करी थी, कॉस कॉस एक्स पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 माइनस कॉस एक्स पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी। आई होप यहां तक सारी बात समझ में आई होगी, कुछ भी इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अब नेक्स्ट टाइप के अंदर जो नई चीज है वो ये है कि अब यहां पे हम बात पावर्स की नहीं करेंगे, हम यहां पे उनके एंगल के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनकी बात करेंगे। बात अभी भी हम यहां पे साइन और कॉस की ही कर रहे हैं, अभी हम टैन या सेकेंट को सेकेंट के अभी टी रेशियोज पे नहीं गए, अभी हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इंटीग्रेशन देखे हैं वो सब साइन और कॉस की हैं। अब इससे पहले जो थे वो पावर्स की बात हो रही थी, अब हम पावर्स से हट गए हैं, पावर्स के बाद अब हम बात करें उनके एंगल्स के बारे में, कि अगर साइन और कॉस जो है ऐसे तो डिफरेंट एंगल्स के साथ हो तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। देखिए वैसे जब मल्टीप्लीकेशन आती है इंटीग्रेशन के अंदर तो हमारे लिए काम कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हमेशा हमें इस मल्टीप्लीकेशन को खत्म करने की इच्छा होती है कि मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर लिया जाए या किसी और तरीके से सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे हमारे पास साइन 4x cos 3x, तो ऐसे जब भी टाइप आपके पास आएगी तो उसमें आपके पास टाइप में क्या हो सकता है, या तो साइन के साथ cos हो, ठीक है, या साइन के साथ साइन हो, या फिर cos के साथ cos हो, ये तीन पॉसिबिलिटीज है, या दोनों मिक्स आएंगे, या दोनों साइन होंगे, या दोनों cos होंगे। हर एक केस में हमें इन चार फॉर्मुलाज की जरूरत पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री में 11th स्टैंडर्ड में हमने ये फॉर्मुलाज पढ़े होते हैं, अगर आपने तब पढ़े हैं और आपको भी याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, और या फिर इसको अपने पास लिख के रख सकते हैं। इन चारों फॉर्मुलाज में से हमें कोई ना किसी फॉर्मुले की जरूरत पड़ेगी, बट एक फॉर्मुले के लिए एक यहां पे माइनस आएगा, ये याद रखिएगा, ओके। नाउ तो अब देखते हैं इसमें कैसे यूज होंगे फॉर्मुले। अब हमारे पास है साइन 4x cos 3x, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले तो बनेगा 2 साइन a cos b, ये 2 साइन ए कॉस भी बन जाएगा। जब 2 साइन ए कॉस भी बन जाएगा तो मैं उसको ये लिख सकता हूं, तो कुछ ये ऐसा दिखाई देगा इसके अंदर, साइन ऑफ 7x प्लस साइन ऑफ x, राइट। अब हमारे लिए इसकी इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो गया, अब इंटीग्रेशन हम सिंपली साइन की करेंगे तो कॉस 7x बाय 7 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा माइनस कॉस x प्लस, राइट। और देखिए यहां से ये चीज करने के बाद इक्वेशन बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, cos 2x cos 4x। अब यहां पे फिर से हम ये फॉर्मूला लगाएंगे cos a cos b वाला, उसके लिए हमें 2 चाहिए होगा फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड ऑलरेडी किया हुआ है, तो 2 cos a cos b फॉर्मूले में क्या लगेगा, cos of a plus b plus cos of a minus b, तो 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर आएगा cos of a plus b cos of 6x plus cos of 2x minus 4x करेंगे तो minus 2x आएगा, cos minus को अब्सॉर्ब कर लेता है तो यहां पे 2x ही बचेगा सिर्फ dx, राइट, ओके। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास इसकी इंटीग्रेशन आता है कि साइन ऑफ 7x बाय 7 साइन ऑफ 2x बाय 2, माय मिस्टेक, यहां पे बेटा 7 नहीं आएगा 6 ही आएगा, 6 आएगा, राइट, 2x बाय 2 ओवरऑल प्लस सी, ओके। चलिए साथ ही में एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं ऐसे ही। अब यहां पे साइन 3x साइन 2x है, तो इसका फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे माइनस 2 चाहिए, अकेला 2 नहीं चलेगा, मुझे माइनस 2 चाहिए, तो मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है, तो यह आएगा माइनस 1/2, इस पे जो फॉर्मूला लगेगा तो बनेगा कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए प्लस बी 3x प्लस 2x से बन जाएगा 5x माइनस 3x माइनस 2x करेंगे तो बन जाएगा x, यू गेट dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस 1/2 कॉस 5x की इंटीग्रेशन करेंगे बनेगा साइन 5x बाय 5
माइनस साइन एक्स प्लस सी, राइट। तो ये काफी सिंपल है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप सेवन के अंदर अब हम बात करेंगे टेन एक्स और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। इससे पहले हमने जितनी बात करी है साइन एक्स और कॉस एक्स के बारे में करी थी। सबसे पहले बेसिक फॉर्मुलाज की बात कर लेते हैं, टेन एक्स कॉट एक्स इनके जनरली फॉर्मुलाज जो है, वैसे हमने वो पहली स्लाइड में देख लिए थे जिसमें हमने सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मुलाज की बात करी थी। 10 फॉर्मुलाज थे ट्रिग्नोमेट्रिक के, उसमें ये चार फॉर्मुलाज भी कवर हो गए थे। बट एक बार क्विकली मैं आपको ये बता देता हूं कि ये फॉर्मुलाज एक्चुअली बने कैसे थे। जो साइन एक्स टेन एक्स उसको लिखा जा सकता है साइन एक्स कॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो अगर मैं यहां माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं तो cos x का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। जब नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव होता है तो सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में हमने सीखा था कि हम इसको ये लिख लेते हैं। और अगर आप लॉग की प्रॉपर्टीज को जानते हैं तो ये माइनस ऊपर जा सकता है और cos x जो है वो cos x की पावर माइनस वन एक्स बनकर ये बन जाएगा log of secant x। तो आपको ये दोनों फॉर्मुला देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ tan x। ये log की प्रॉपर्टी की वजह से cos x जो है secant x में बदल जाता है। सिमिलरली cot x की अगर हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं बेटा, बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे cot x / cos x / sin x लिख सकते हैं, cos x / sin x लिख सकते हैं। और cos x / sin x लिखने की वजह से नीचे का डेरिवेटिव क्लियरली ऊपर पड़ा है, इस बार में माइनस भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स, दैट्स इट, राइट। ओके नाउ अब थर्ड देखते हैं सेकंड एक्स। तो सेकंड एक्स के लिए हम जनरली ऐसा कोई नहीं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, तो उसके एक छोटा सा पार्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है सेकंड एक्स को सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स के साथ, डिवाइड भी करना होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है सेम नंबर्स के साथ, राइट। एक बार आप नीचे वाले का डेरिवेटिव देखिए क्या बनता है, सेकंड एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो बनेगा सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड स्क्वायर एक्स बनेगा। अगर आप ऊपर ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो आपको यही चीजें दिखाई देंगी, सेकंड एक्स इंटू सेकंड एक्स बनेगा सेकंड स्क्वायर एक्स, सेकंड एक्स इंटू टेन एक्स बनेगा सेकंड एक्स टेन एक्स। नीचे तो वही है, नीचे कुछ चेंज नहीं किया हमने। नाउ अब जो नीचे पड़ा वही ऊपर पड़े, तो सॉरी जो नीचे पड़ा है उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़े, तो आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स। सिमिलरली कोसेकेंट के लिए हम क्या करते हैं, कोसेकेंट के केस में हम कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, अब आप देखेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव ऐसे ऐसे ऊपर बन जाएगा कोसेकेंट एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो बनता है माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, और माइनस कॉट एक्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो बनता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो प्लस माइनस एडजस्ट होकर एकदम ऊपर वाली चीज बन जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, क्लियर है। नाउ अब आगे चलते हैं, अब अगली जो हम बात करने वाले हैं टाइप सेवन के अंदर ही हम इनके कुछ पावर्स की बात करेंगे। तो पावर्स के लिए आपको जरा बहुत इंटेलिजेंटली इस चीज को हैंडल करना होगा। आपको मालूम होगा टेन एक्स का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एक्स होता है, तो सेकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी टेन एक्स, ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ आपको मेजर लॉजिक नहीं लगाना है, प्लस सी मत बोलना कहीं पे भी। ओके नाउ सेकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन डायरेक्ट होती है टेन एक्स प्लस सी, ऐसे कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अब इनके बाद अगर हम अगली बात करते हैं, कब अगर हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स आएगा तो क्या करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स आएगा तो क्या करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स के केस में बेटा हम पहले टेन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस वन, आइडेंटिटीज थ्री आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखा जा सकता है। मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मुझे सेकंड स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट आंसर मालूम है, तो इसका आंसर आ जाएगा टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टेन स्क्वायर एक्स की अगेन कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की सॉरी कॉट स्क्वायर एक्स की, कॉट स्क्वायर एक्स की बात करते हैं तो उसमें भी फिर सेम है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन होगा, अगर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन है तो उस केस में फिर हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्लियर। तो यहां तक थे ये सिंपल जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके स्क्वायर्स। अब देखते हैं आगे और कैसे करते हैं। अब आगे देखते हैं कि अगर हमें पावर टू से बढ़कर थ्री तक आ जाए तो उस केस में क्या करते हैं। तो इस केस में बेटा एक चीज मैं इसको आगे बढ़ाने से पहले एक तुम्हें फैक्ट बता देता हूं जो हम इन टेन और कॉट वाले क्वेश्चन में या सेकंड को सेकंड वाले क्वेश्चन में यूज करते हैं। एक तो हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एक्स होता है, या आप इसे वाइस वर्सा याद रखिए कि सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेन एक्स होती है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर जो है वो सेकंड स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। अब सेकंड और टेन के बीच के ये दो रिलेशंस अगर आपके दिमाग में सेटल्ड है तो हर एक क्वेश्चन जो भी हमने किए हैं ये वाले या फिर इससे आगे जो आने वाले हैं उनमें इन दोनों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। ये सेम कॉट में भी होते हैं, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स होता है, 1 प्लस कोसेकेंट 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो ये वाले फॉर्मुला अगर आपको अच्छे से याद होंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। चलिए अगर हम बात करते हैं टेन क्यूब एक्स की, तो टेन क्यूब एक्स के लिए बेटा हम क्या करेंगे, मैं इसको लिख रहा हूं टेन स्क्वायर एक्स और टेन एक्स। अगेन मेरा लिखने का मोटिव क्या था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि टेन स्क्वायर मुझे मिले, अगर टेन स्क्वायर मिलता है तो उसका बेनिफिट ये होता है कि उसे मैं सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं जिसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन मुझे मिल जाती है, कुछ ऐसा,
ब्रैकेट ओपन करूंगा तो बनेगा टेन एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स। अब टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स फंक्शन, और अगर डेरिवेटिव साथ साथ मिल जाए तो ये बहुत बढ़िया बात होती है हमारे लिए, बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। टेन एक्स की इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से, अब मैं सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो लंबा काम है, आप डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं, टेन एक्स को टी पुट करके डेरिवेटिव आ जाएगा, जब फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा होता है। तो आंसर इज फंक्शन का की पावर जो भी जितनी यहाँ है उसे बढ़ जाएगी बाय टू माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स, यहाँ माइनस एक अलग से आ जाएगा उसे प्लस बना देगा आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगर tan cube x है ऐसे cot cube x के लिए भी सेम होगा राइट, वो आप खुद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर पावर 4 आ जाए तो क्या कर सकते, तो क्या करना है हमें, पावर 3 तक आ जाए तो tan और cot दोनों सेम हैंडल होते हैं, अब पावर 4 आ जाए तो भी दोनों सेम तरीके से हैंडल होते हैं। क्यूब के लिए मैंने tan की एग्जांपल ही थी, 4 के लिए मैं cot की एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसमें क्या करेंगे, cot square x into cot square x हम इसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, हमें पता है कि कहीं पे भी अगर हमारे पास cot x का जो डेरिवेटिव होता है वो secant square x होता है, तो मैं यहां पे कोई एक cot को लिख सकता हूं secant square x minus 1, दूसरा एजरी रहेगा, मैं दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, जब मल्टीप्लाई करूंगा बनेगा कॉट स्क्वायर एक्स कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स राइट। ओके नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स इनटू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, हमें मालूम है कि कॉट स्क्वायर है ये फंक्शन है जिसकी पावर 2 है और साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा है, जब फंक्शन की कुछ भी पावर हो हमारे पास राइट, पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तो कॉट के साथ उसका डेरिवेटिव है हमारे पास, ये कोसेकेंट स्क्वायर है बट मुझे माइनस कोसेकेंट स्क्वायर चाहिए, तो एक मैं माइनस खुद से लगा लूंगा और एक माइनस एक्स्ट्रा लगा लूंगा बैलेंस करने के लिए। अब यहां पे बच रहा है कॉट स्क्वायर एक्स, जब भी मैंने बोला था कॉट स्क्वायर एक्स होता है तो उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 राइट, उसको लिख सकते हैं कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। नाउ अब यहां पे ये कॉट एक्स का डेरिवेटिव पड़े डीएक्स माइनस, तो इसकी इंटीग्रेशन हो रहेगी कॉट एक्स का पावर 3 बाय 3 माइनस, इसकी इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की हो जाएगी कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी राइट। तो इस सेम सिमिलर वे में आप टेन पावर 4 की भी कर सकते हैं। ओके चलिए बाकी टाइप 8 है, टाइप 8 के अंदर क्या होगा, टेन और कॉट सॉरी टेन और सेकेंट, कॉट एंड कोसेकेंट अगर एक पेयरिंग में आता है तो हम उसे कैसे हैंडल करते हैं, टेन की पावर कुछ भी हो, आई रिपीट टेन की पावर कुछ भी हो, सेकेंट की जो पावर है वो इवन होनी चाहिए, ठीक है, टेन की पावर ऑड हो इवन हो कुछ भी हो, कोसेकेंट की पावर इवन होनी चाहिए। जब बेटा मैं बोलता हूँ कुछ भी से मेरा मतलब होता है कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है, हाँ अदरवाइज वो ऑड हो या इवन हो वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, अगर बस हमारे लिए सेकेंट इवन होना चाहिए कोसेकेंट इवन होना चाहिए, अगर ऐसा आ जाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम सिंपली जितना भी हमारे पास सेकेंट होता है इस सेकेंट में से दो सेकेंट्स को बाहर निकाल देते हैं, दो सेकेंट्स को बाहर निकाल देते हैं और इधर टेन हमारे पास यही रहता है, ठीक है, जब अगर पहले से ही एन इवन था उसमें से अगर आप दो सेकेंट निकाल दोगे बेटा तो फिर से पीछे जो सेकंड बचेगा नंबर ऑफ सेकंड फिर भी इवन ही होगा, अगर मेरे पास 10 सेकंड है 10 में से 2 निकालता हूं तो 8 सेकंड बचते हैं, तो पहले भी इवन थे 2 निकालने के बाद भी इवन ही बचेंगे, तो जब भी सेकंड की पावर इवन होती है ना तो उसे कुछ ऐसी पावर में लिखा जा सकता है, 2 की पावर समथिंग लिखा जा सकता है, जब क्वेश्चन करेंगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, तो ये अभी भी इवन पावर है, ये पावर कुछ भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मैं टेन को लिख सकता हूं, टेन एक्स को टी पुट कर सकता हूं, टेन एक्स को टी पुट करने का बेनिफिट क्या होगा, ये डेरिवेटिव बन जाएगा dt, ठीक है, यहां t की पावर m हो जाएगी, और यहां पे जो सेकंड की पावर इवन है, सेकंड की पावर इवन है मतलब सेकंड की पावर 2 की पावर समथिंग है, ठीक है, सेकंड स्क्वायर की पावर समथिंग की तरह लिख सकता हूं, और इस सेकंड स्क्वायर को मैं लिख पाऊंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखने का मतलब है मैं इसे लिख सकता हूं 1 प्लस टी स्क्वायर राइट। तो एक बार इसका क्वेश्चन करते हैं फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में हमारे पास 10 की पावर 2 है सेकंड की पावर 6 है, हमें दिखा सेकंड की पावर अगर इवन आ गई तो हमारे लिए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है, अब हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है 10 की पावर में क्या आता क्या नहीं, हम क्या करेंगे सिंपली बस इस सेकंड का कि इवन पावर में से दो पावर्स को निकाल के अलग कर देंगे, बाकियों को हम सेकंड पावर 4 जितना बचता उतना लिख सकते हैं, मैंने कहा था हम इसको 4 को हम 2 की पावर 2 यानी इवन की पावर सम नंबर लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, अब ऐसे लिखने का मोटिव क्या, मैं चाहता हूं tan x को टी पुट किया जाए ताकि सेकंड स्क्वायर x dx जो है वो डेरिवेटिव में आ जाए, तो उस केस के लिए मुझे इसको भी tan में कन्वर्ट करना होगा ताकि सारा जो है वो t की शेप में लिखा जा सके, तो tan स्क्वायर x है जो जाएगा 1 + tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर ही होगा सेकंड स्क्वायर x dx। अब आप यहां पे tan को टी पुट कर लीजिए, जब आप tan को टी पुट करेंगे बनेगा t स्क्वायर, ये बनेगा 1 + t का स्क्वायर का स्क्वायर, ये डेरिवेटिव हो जाएगा सेकंड स्क्वायर x। नाउ जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो नेक्स्ट पार्ट करने से पहले मैं छोटी सी चीज और बताना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चों के माइंड में यह आ रहा होगा कि सर आपने टेन और कॉट के केस में टेन की जो हायर पावर्स हैं पावर 3 पावर 4 के बारे में बात करी, कॉट के केस में कॉट 3 कॉट पावर 4 की बात करी, बट सेकंड के केस में और कोसेकंड के केस में आपने हायर पावर्स की बात नहीं करी, तो मैं एक बार यही इसी कैटेगरी के अंदर मैं उसकी भी बात कर लेना चाहता हूं, अगर हम बात करते हैं बेटा सेकंड पावर 4x की,
फिर भी कहानी सेम है, सेकेंड की पावर अगर इवन आ गई हमारे पास, सेकेंड की पावर अगर इवन आ गई हमारे पास, तो हम उसको निकालते हैं बाहर, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बचता हमारे पास सेकेंड स्क्वायर एक्स, इस सेकेंड स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर, सॉरी हाँ इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब इसका फायदा क्या होगा, अब हम फिर से टेन एक्स को टी पुट करेंगे और सारी कहानी सिंपलीफाई हो जाएगी, क्यों, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा, ये बन जाएगा जब हम इसको टी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर डी टी, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और आप बहुत सिंपली इसकी इंटीग्रेशन करके फिर से वापस टी की वैल्यू 10x इसमें पुट करके अपना आंसर जो है वो फाइनलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने सेकंड पावर 4 बोला बिल्कुल सेम वे में आपको सेकंड पावर 4 भी निकाल सकते हैं। इस तरह से आप सेकंड की मैक्स जो हायर पावर्स हैं वो आप इवेल्युएट करते हैं। क्लियर है, चलिए अब आगे देखते हैं कॉट के केस में। जैसे यहां चली थी बिल्कुल सेम कहानी चलेगी कि एम इवन होना चाहिए, ठीक है, जो सेकंड की पावर है वो इवन होनी चाहिए, कॉट की पावर कुछ भी हो एकदम सेम चलेगा, आइडेंटिकली आप इसको जैसे ये सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा कुछ ऑब्वियस फॉर्मुलाज के साथ चेंज करके। ओके, तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन में सेकंड और कोसेकंड की पावर इवन आती है तो क्या करना है, वो हमने इसमें सीख लिया। नाउ अब हमें नेक्स्ट चीज जो बेटा सीखनी है वो ये है कि अगर इन दोनों में से कोई ऑड आ गया, मतलब अभी इसमें से एग्जांपल लूंगा, जैसे ये होगा वैसे वो होने वाला है, अगर एन ऑड आ गया यानी अगर ये ऑड आ गया तो क्या करना है, ये ऑड आ जाए तो क्या करेंगे, तो क्या हमारे पास कोई आंसर नहीं है, अगर है तो वो कैसे सॉल्व होगा। ओके, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि कंडीशन ये है कि अगर यहां पे ऑड आया है बेटा तो हमें फिर यहां पे भी ऑड आना जरूरी है, ठीक है, अगर यहां पे इवन था फिर हमें टेन और कॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेन खुद ऑड है या इवन है टेन की पावर, बट लेकिन अगर सेकंड की पावर और कुछ या फिर कुछ सेकंड की पावर ऑड आ गई देन हमारे लिए रिक्वायरमेंट ये हो जाएगी एन के ऑड आने पे इसका भी ऑड होना जरूरी हो जाएगा, यानी सेम केस यहां पे अगर एन ऑड आ गया तो एम का भी ऑड होना जरूरी हो जाएगा, तभी हम जो आगे करने वाले हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। एक एग्जांपल मैं आपको क्विकली बता देता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है कॉट पावर 3x और इधर है कोसेकेंट पावर 5x, ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम कॉट एक्स और कोसेकेंट एक्स दोनों में से एक एक टर्म बाहर निकालेंगे, cot x और cosecant x दोनों में से एक एक टर्म बाहर निकालेंगे और इधर बचेगा मेरे पास cot square x, इधर बचेगा cosecant power 4x, ठीक है। नाउ अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा ये cosecant x का डेरिवेटिव है, ये cosecant x का डेरिवेटिव है, एक माइनस की कमी है, माइनस हम लगा लेंगे कोई बात नहीं, एक माइनस लगा लें अगर हम, ठीक है, तो ये cosecant x का डेरिवेटिव है, तो cosecant x को t पुट करने पे ये चीज बाहर निकल जाएगी, तो यानी ये चीज की भी प्रॉब्लम सॉल्व है, ये तो ये भी t बन जाएगा और ये भी डेरिवेटिव बन जाएगा, प्रॉब्लम इस cot square की है, तो cot square को मैं cosecant square में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं, 1 प्लस cosecant square x माइनस 1 इनटू cosecant पावर 4x। नाउ अब आप यहां से cosecant x को t पुट करिए, cosecant x को t पुट करिए, ये आपका डेरिवेटिव बन जाएगा, सिंपल है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, पुट cosecant x इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस cosecant x cot x dx इज इक्वल टू dt। जब आप इन्हें सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करके आप अपनी वैल्यूज वगैरह पुट करते हैं तो आपके पास ये इंटीग्रेशन आएगी, इंटीग्रेशन में आप अपनी वैल्यूज जो सब्स्टिट्यूट वापस रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे cosecant x को तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं टाइप 9 के बारे में। अब टाइप 9 और टाइप 10 और टाइप 11 जो आगे आने वाली टर्म्स हैं ये सिमिलर टाइप्स हैं, तो इन्हें बहुत ध्यान से समझिएगा। ये हमने जब मैंने आपको इस लेक्चर की बिगनिंग में एक बार आपको जब सारे फॉर्मुलाज दिखाए थे तो उस फॉर्मुलाज में मैंने ये 9 फॉर्मुलाज मेंशन किए थे, उन 9 फॉर्मुलाज को 3-3 करके हम एक एक टाइप करके समझेंगे। तो पहले टाइप में पहले 3 फॉर्मुलाज है बेटा, अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार फॉर्मुला पढ़ना चाहो तो फॉर्मुला पढ़ सकते हो। अब इस इन फॉर्मुलाज के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस तरह के, तो उन्हें मैं सब टाइप्स की तरह आपको समझाऊंगा। पहले है कि एकदम सिंपल सिंपल एज इन, अगर आपको सिंपल ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए जो बहुत एक स्टेप करने पे ही आपको इस फॉर्मुला पे पहुंचा दे। अब जैसे यहां पे x2 + a2 है, x2 का कोएफिशिएंट 1 है बट यहां पे x2 का कोएफिशिएंट 9 है, तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं 9 को कॉमन निकाल लेना चाहता हूं। अगर मैं 9 को कॉमन निकालूंगा, 9 को कॉमन निकालने के बाद जो अंदर बचेगा वो बचेगा x2 + 4/9 dx, ठीक है। ये 4/9 को लिखा जा सकता है 2/3 का होल स्क्वायर, ये बन गया x2 + a2। अब मैं यहां पे डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं 1/9 फॉर्मूला लगाओ * 1/a as in 1 upon 2/3 tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। इसे आगे आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जब ये 2/3 ऊपर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 होने के बाद इसकी कटिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3x/2 प्लस सी। क्लियर है, सिंपल वे, कुछ भी इसमें आई थिंक डिफिकल्ट नहीं है। आगे हमने यहां देखा कि यहां क्या क्या है कि यहां पे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कैटेगरी के अंडर हमारा ये वाला क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए हमने देखा कि ये डिनोमिनेटर्स में जो है वो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है और इस पे पूरे पे स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये इसी तीन फॉर्मुलास के अंदर आएगा, बट लेकिन हमें इसको ऐसी शेप देना है, ऐसी शेप जहां पे x2 + something x2 - something और a2 - x2 की शेप हो,
तो उस केस में हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कुछ बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना, तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो अलग से बनाई हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो उसके लिए इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए मैं क्विक बताता हूं क्या करना होता है। आपको एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1 चाहिए होता है या माइनस 1 है, तो मैंने माइनस 1 निकाल लिया, तो मेरे पास अंदर ये बचेगा। देन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो आप उस वीडियो में देखेंगे उसको, उसके हेल्प से आपको पता लग जाएगा कि मैंने क्या किया है। नाउ जब आपके पास ये आ गया तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। नाउ मैं यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। इस 4 को तो मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक बार देखिए, ये मेरा फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये आंसर आएगा। और हमने सेकंड टाइप, मैंने तभी बोला था वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ज्यादा काम आएगा आगे जाके, कि अगर आपका फंक्शन में से एक्स हटा के उसकी जगह लीनियर फंक्शन दिया जाए, अगर आप सेकंड और सेकंड फॉर्म लेकर इसको देखेंगे आपको रियलाइज होगा कि एक्स हटा के उसकी जगह एक लीनियर टर्म रख दी गई है। तो उस केस में हमें करना क्या होता है, हमें उसको सिंपल फॉर्मुले की तरह ही ट्रीट करना है। इसके आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं 1/2a log of, ठीक है, जहां x है वहां ये आ जाएगा x माइनस 1 माइनस a, ये 2 आ जाएगा। सिमिलरली नीचे आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा। आई होप यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। a की जगह बेटा यहां 2 है, तो ये 2 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कि अब तो हमने क्वाड्रेटिक थी, क्वाड्रेटिक को हमने उसको शेप दे दी ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, ठीक है। अगर आप यहां से वैसे माइनस अंदर ले जाएं, ये छोटा सा पॉइंट है, अगर मैं माइनस को अंदर ले जाऊं तो ये 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ये वाली शेप बन जाएगी, ठीक है। तो उससे आंसर आपको दिखने में थोड़ा अलग लगेगा, बट उसमें कुछ चेंज नहीं है। अगर आपके लॉग के जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको क्लियर है तो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि जो यहां से आंसर आएगा और जो ये आंसर आया वो दोनों सेम आंसर है। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड ये भी एक काइंड ऑफ सब टाइप है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें डायरेक्ट ना तो डायरेक्ट दिया होगा और ना ही इस तरह से दिया होगा कि जिससे मैं सिंपली अपना जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर में बनाऊं और उसको सॉल्व करूं, ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके लिए मुझे उसको ऐसी शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस शेप में एक बात खास और है कि आपके न्यूमरेटर है जो वो कांस्टेंट्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर्मुला के अंदर 1 है, अगर न्यूमरेटर में कोई भी कांस्टेंट 1 के बजाय और आ जाए तो उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले जाकर ऊपर 1 बना सकते हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ऊपर वेरिएबल आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि ये रिड्यूस हो जाए ऐसी किसी शेप में। तो रिड्यूस करने के लिए अगर मैं यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दूं, और अगर एक्स स्क्वायर को टी पुट करूंगा तो डेरिवेटिव बनेगा 2x dx dt। अब ये मेरे दिमाग में कैसे आएगा ये आपको जरा ध्यान देना है कि यहाँ पे x है, x dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि x dx के साथ मल्टीप्लाई होकर अगर कुछ और वेरिएबल बन के बाहर निकल सकता है तो ये चीज मेरे लिए इस शेप में कन्वर्ट हो सकती है। तो वहां से मैंने सोचा कि अगर मैं x को किसी का डेरिवेटिव बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे एक्स स्क्वायर को टी पुट करना पड़ेगा। तो वहां से ये बन गया dt by 2, ठीक है, ये 1/2 आ जाएगा, ऊपर dt आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये 4 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस टी प्लस 1, ठीक है। चलिए अब आगे, यहां से आगे ये क्वेश्चन बिल्कुल इस क्वेश्चन के जैसा होगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन बिकम दिस सेकंड सबटाइप। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर फिर कुछ ऐसा दिखाई देगा। आपको इसके ऊपर फॉर्मुला लगेगा हमारा 1/x² + a² वाला जो सबसे पहले लिखा हुआ है, फॉर्मुला अप्लाई कीजिए और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे आपका आंसर खत्म होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी कैटेगरी के अंदर से ही है कि हम पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसको उस फॉर्मुला में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। वैसे अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपको देख के फील नहीं होगा कि ये क्वेश्चन जो है इसमें क्वाड्रेटिक बन रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है लॉग आपको दिखाई देने लग जाता है तो आपको लगता है कि क्वाड्रेटिक शायद इसमें नहीं बनेगी। बट अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो लॉग एक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, लॉग एक्स के साथ एक 1/x भी दिखाई दे रहा है। जब फंक्शन के साथ डेरिवेटिव दिखाई देता है तो हमें फील होना चाहिए कि यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन होने वाली है। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लॉग एक्स को अगर टी ले लेता हूं बेटा, अगर मैं log x को t ले लेता हूं तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x dx = dt। तो ये 1/x dx ये dt बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 6t² + 7t + 2। तो आप बिल्कुल इसको जैसे हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए okay. आगे चलते हैं। नाउ अब इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसी टाइप के अंदर, 1/x (xn+1)। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि थोड़े से ट्रिकी भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी। अब हमारे पास क्वेश्चन है 1/x (xn+1)। अब ये पावर में xn+1 है। अगर आप इसको जरा ध्यान से देखिए, अगर आप इसका डेरिवेटिव करने जाएं तो इसका डेरिवेटिव आपको दिखाई देगा nxn-1। तो अगर मुझे इसको टी पुट करना है तो मुझे न्यूमिरेटर में ये वेरिएबल मिलना जरूरी है, क्योंकि कांस्टेंट से तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैनेज कर लेते हैं, बट ये हमारे पास होना बहुत जरूरी है xn-1। तो मुझे xn-1 चाहिए। तो अगर मैं इसको अंदर ही इंटीग्रेशन के अंदर ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूं, ये तो ऑलरेडी पढ़ा था यहां पे, ये मैंने xn-1 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। मैं यहां से यहां पे छोटा सा टिप देना चाहता हूं आपको कि जब कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इंटीग्रेंट के साथ तो आप उस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के अंदर भी रख सकते हैं बाहर भी रख सकते हैं, उसका एक पार्ट अंदर एक पार्ट बाहर, यानी अगर आप न्यूमरेटर को अंदर रखना चाहते हैं डिनोमिनेटर को बाहर रखना चाहते हैं तो चलता है। बट अगर आप इंटीग्रेशन के में किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उस केस में फिर आपको वेरिएबल जो है वो अंदर ही रखना होता है, वेरिएबल को बाहर नहीं लेके आ सकते इंटीग्रेशन के साइन के। नाउ
अब मुझे यहाँ पे एक्स एन माइनस वन चाहिए था वो मिल गया, बट लेकिन यहाँ पे भी मुझे बैलेंस करना पड़ेगा इसे। ये ऊपर एक्स एन माइनस वन है, इसको अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एन बनेगा, ये एक्स एन प्लस वन बन रहा है, ठीक है ना। अब ये एन चाहिए मुझे, तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट आप अंदर बात कर सकते हैं, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, मल्टीप्लाई वाला अंदर और डिवाइड वाला बाहर। नाउ अब एक्स एन प्लस वन को अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, अगर आप देखेंगे एक्स एन यहाँ पे भी पड़ा है, तो अगर मैं एक्स एन प्लस वन को टी पुट करता हूँ तो एक्स एन की वैल्यू बनती है टी माइनस वन, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वन अपॉन एन, वन अपॉन एन ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये डेरिवेटिव बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे जब हम तो बनेगा एन इंटू एक्स एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो ये पार्ट हो गया पूरा डी टी बन गया, ठीक है। ये एक्स एन तो हमारा टी माइनस वन बन गया, टी माइनस वन ये बन गया टी इंटू टी, टी माइनस वन इंटू टी आप करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये टी स्क्वायर माइनस टी हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी, टी स्क्वायर माइनस टी हो जाएगा। अब आप टी स्क्वायर माइनस टी पे फिर से हमारे जो फॉर्मुलाज हैं उसको पहले कंप्लीट इन स्क्वायर से कंप्लीट कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर फॉर्मुला लगा सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, अगर आप देखेंगे अब हम पॉलीनोमियल फ्रैक्शन की बात करें, नीचे भी पॉलीनोमियल है ऊपर भी पॉलीनोमियल है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं। सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि हमारी जब भी पॉलीनोमियल फ्रैक्शन आती है किसी भी टाइप के अंदर आए, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर वो प्रॉपर है तो ठीक है, अगर वो प्रॉपर नहीं है मतलब यानी कि वो इम्प्रॉपर है तो उसे हम पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। और ये सब कैसे होता है ये हमने इसी वीडियो के बिगनिंग में भी हमने इस बारे में बात करी है, वहां जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये ऑलरेडी प्रॉपर है, तो प्रॉपर है तो मुझे इसे कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अब मैं डायरेक्ट अपने सॉल्यूशन पे आऊंगा। अब नीचे फंक्शन है ऊपर उसका, नीचे एक फंक्शन है बट मैं चाहता हूं कि ऊपर मुझे उसका डेरिवेटिव मिल जाए, इसका मैं डेरिवेटिव करता हूं तो वो बनता है 2x plus 3, बट ऊपर 2x plus 3 नहीं है, ऊपर 4x plus 1 है, तो मैं चाहूंगा कि वो कन्वर्ट हो जाए। कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे 2x plus 3 चाहिए, x के कोफिशिएंट में मुझे 2 चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं यहां से 4 को कॉमन निकाल देता हूं बाहर, अंदर बचेगा x plus 1 by 4, ठीक है। नाउ अब मैं चाहता हूं यार 2 हो तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं, कांस्टेंट है तो डिवाइड वाला बाहर रख लिया, मल्टीप्लाई वाला अंदर ले गया, ये बच गया 2x plus 1 by 2, x square plus 3x plus 2। नाउ अब मुझे एक प्लस 3 चाहिए साथ में, तो प्लस 3 के लिए बेटा मैं एक प्लस माइनस प्लस 3 माइनस 3 कर लेता हूं, प्लस 3 माइनस 3 ये प्लस 1 by 2 भी पड़ा है एज इट इज, ठीक है। जब ये हो गया ये मेरा डेरिवेटिव है, ठीक है, और ये कांस्टेंट है, मैं इसको दोनों के नीचे कर रहा हूं, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, x square plus 3x plus 2, x square plus 3x plus 2, राइट। नाउ अब ये तो फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, जब फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होता है हम बहुत सिंपली से सॉल्व कर सकते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा है तो हमें उस पर कोई ये स्पेशल इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लॉग ऑफ फंक्शन भी आंसर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस, अब जो हमारे पास बाकी चीज बच गई दैट इज माइनस 3 प्लस 1 बाय 2, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा माइनस 5 बाय 2, इसको भी मैं इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेता हूं, बाकी बचा हुआ पार्ट इंटीग्रेशन के अंदर आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। नाउ दिस पार्ट अब हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है, अब इसकी इंटीग्रेशन बहुत आसान है, हमने सेकंड सब टाइप जब हमने ये स्पेशल इंटीग्रेशन अभी स्टार्ट किया है तो इसी की सेकंड सब टाइप में हमने देखा था कि नीचे हम इसको क्या करेंगे, पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के बाद उसके ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर फिर कुछ ऐसा दिखाई देगा, जब आप इसको फिर से इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन 2a एंड ऑल दिस, ठीक है। उसके बाद जो ये 2 है ये पूरे अंदर के साथ सबके दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, ये 2 और 1 बाय 2 तो बैलेंस होकर 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये हमारे पास अल्टीमेट फाइनल आंसर बचेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप के अंदर अब एक नई सब टाइप देखते हैं, अभी वैसे ये सब टाइप आपको देखने में फील नहीं होगी कि हम इसी टाइप के अंदर आती है, बट लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तब आपको ये दिखाई दे जाएगा। नाउ अब यहां पे वन अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, आपको याद रखना होगा अगर डिनोमिनेटर में आपके पास साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आ रहे हैं, ठीक है, तो हम आपको तो हम ये वाला जो मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर। अब सर ऐसा क्यों, ठीक है, वो आपको अभी पता लग जाएगा, जब मैं न्यूमिनेटर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर करूंगा तो सेकंट स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ठीक है, और इसको जब मैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। मैं बेटा एक स्टेप स्किप कर रहा हूं क्योंकि यहां पूरे कॉस स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड होने वाला है, मैं इसको ऑलरेडी दोनों के नीचे अलग अलग कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स जब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास। अब आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि टेन का डेरिवेटिव होता है सेकंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, और हमें मालूम है कि अगर हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो टेन स्क्वायर और सेकंट स्क्वायर में आ जाए तो हमारी कोशिश होती है कि ऊपर अगर हमें सेकंट स्क्वायर एक्स मिल जाए डीएक्स के साथ, ठीक है, तो हम टेन को टी पुट करके इसको डेरिवेटिव में खत्म कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हम यहां पे करेंगे, टेन एक्स को आप टी पुट करोगे बेटा, जब टेन एक्स को टी पुट करोगे ये डी टी बन जाएगा, डेरिवेटिव ओके सेकंट स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डी टी, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, अब मैंने टेन को टी पुट किया है तो यहां पे टी का स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर। अब आप ए को कॉमन ले लीजिए, जब आप ए को कॉमन लेंगे टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। नाउ अब आप इसकी इंटीग्रेशन सिंपल वे में कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कर लीजिए।
अब ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है बट लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे स्क्वायर्स नहीं है। अब स्क्वायर्स नहीं है तो फिर जो सेम जो पहले चीज कर गया हम वैसे ही इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे साइन एक्स को हम लिख सकते हैं टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये आपको मल्टीपल एंगल फॉर्मुलाज ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो साइन टू थीटा का फॉर्मुला होता है वहां से ही मिलेगा आपको। ये सिमिलर ऐसा फॉर्मुला कॉस का भी होता है इन टर्म्स ऑफ टेन, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अब मैं इन दो फॉर्मुलाज को या साइन एक्स और कॉस एक्स की जगह रिप्लेस करूंगा, थोड़ा सिंपलीफाई करूंगा, फिर मेरा क्वेश्चन लगभग ऐसा सा दिखाई देने लग जाएगा। चलिए देखते हैं। नाउ जब आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू का एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेने के बाद उसे ऊपर ले गया, उसके बाद ये बचा 1 की बजाय आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। एलसीएम लेने के बाद ये 2 टेन एक्स बाय टू एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू एज इट इज रहेगा, यहाँ प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू या माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू कट जाएगा, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 टेन एक्स बाय टू ये बचेगा। राइट, नाउ अब मैं क्या करूंगा इसके बाद हम फिर क्योंकि ऊपर हमें सेकंड स्क्वायर दिखाई दे रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर जो होता है सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, अब हम यहाँ पे टेन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो मैं टेन का टू पे टेन एक्स बाय टू को टी अगर पुट करता हूँ। राइट, बहुत ध्यान से देखना टेन का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड स्क्वायर एक्स बाय टू और x by 2 का फर्दर आपको डेरिवेटिव करना बचे ये भूलते हैं और ये गलती बहुत बार करते हैं। x by 2 का हमें फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा dx is equal to dt। ठीक है, अब ऊपर तो सेकंड स्क्वायर x by 2 into dx ही है, ठीक है ये 2 नहीं है तो इस 2 को इधर ले आओ या फिर आप इधर 1 by 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले। ठीक है, तो आप इसको फिर रिप्लेस कर देंगे 2 dt के साथ, नीचे बचेगा 2 प्लस 2 t। ठीक है, मैं इसको एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूँ, नीचे से 2 कॉमन निकाल के ऊपर वाले 2 से कट जाएगा, ये बचेगा dt अपॉन 1 प्लस टी। इसका आप डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं log ऑफ 1 प्लस टी प्लस सी। राइट, आई होप यहां तक आपको सब समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में जो कि है टाइप 10। टाइप 10 भी सिमिलर सी टाइप है जैसे मैं पहले करी थी, अब इसमें इतना फर्क है कि डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर रूट आ गया कंप्लीट के ऊपर। ठीक है, और स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पड़ी हैं, तो ऐसी इक्वेशंस के साथ कैसे हम डील करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर जो नीचे है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट मैं चाहता हूं कि ये टू टर्म्स में हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसी शेप में हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जैसे मैंने पहले इससे पहले टाइप 9 के अंदर देखा था हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर की हेल्प से दो टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते थे। बट यहां पे कुछ मेजर कैचेस है जो आपको ध्यान रखने हैं कि सबसे पहले जो हम कभी भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस 1 होना जरूरी होता है, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस 1 है तो मुझे माइनस कॉमन लेना होगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो मैं माइनस 1 को रूट से बाहर नहीं ले जा सकता, माइनस 1 को रूट से बाहर ले जाने के लिए आयोटा बनाना पड़ेगा जो कि हम यहां पे नहीं कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9। तो कैच ये है कि आप जब माइनस कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर ही रखेंगे। नेक्स्ट इज, अब इसको नॉर्मल वे में आप वो कर लीजिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसका माइनस 1, जब आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, नाउ जब आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 16 माइनस 9 आ जाएगा और x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 25, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 25 आ गया कि प्लस 25 हो जाएगा और x माइनस 4 स्क्वायर पीछे जाकर माइनस ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जब ये 25 का स्क्वायर है तो आप इसको 5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस ऑफ x माइनस 5 x माइनस 4 का होल स्क्वायर। नाउ अभी आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की शेप में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की शेप में, तो मैं सीधा इसका आंसर जो है वो लिख सकता हूं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्योंकि अभी ये लीनियर है तो ऐसे ही आ जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस सी। क्लियर है, चलिए अवश्य ये चीज ज्यादा डिफिकल्ट आपको ना लगी हो, आगे देखते हैं। ना अब मैं क्या करूंगा, जैसे अब यहां पे हमारे पास एक स्क्वायर रूट भी है। ओके, अगर आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे वैसे तो देखने में ये पॉलीनोमियल नहीं है बट लेकिन पॉलीनोमियल में कन्वर्ट हो सकती है, जैसे ही आप ex को t पुट करेंगे अब मुझे कैसे पता चलेगा ये सब्स्टिट्यूशन होनी है क्योंकि ऊपर ex पड़ा है और नीचे भी ex पड़ा है, अगर मैं ex को t पुट करता तो उसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा dx के साथ तो इसका डेरिवेटिव होगा ex dx = dt, ये हो जाएगा dt 5 - 4t - अब यहां पे ex का स्क्वायर होने वाला था बेटा, ex का स्क्वायर होने वाला था ex e2x को हम ex का स्क्वायर लिख सकते हैं तो यहां पे t स्क्वायर आ जाएगा, जब यहां पे t स्क्वायर आ गया तो ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा माइनस, अगर मैं बाहर ले रहा हूं बनेगा सॉरी यहां पे रूट है तो यहां पे जब माइनस कॉमन आएगा तो ऐसे बचेगा t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5। क्लियर है, अब बिल्कुल सेम वे में जैसे मैं यहां पे किया था बिल्कुल सेम वे में आप इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए बाकी चलते हैं, अब हम इसी के एक और सब टाइप देखते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है वही एक स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है बट यहां पे न्यूमिनेटर में सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, न्यूमिनेटर में एक वेरिएबल भी है। नाउ अब हम इसमें फिर से ध्यान देंगे, क्या हम नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बना सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए आपको छोटा सा टिप देता हूं, आप एक मिनट के लिए इस स्क्वायर रूट को इग्नोर कीजिए और सिर्फ आप ये देखिए क्या स्क्वायर रूट को इग्नोर करने के बाद क्या इनकी डिग्री जो है क्या ये प्रॉपर की कैटेगरी में आते हैं, ऊपर डिग्री 1 है नीचे डिग्री 2 है तो प्रॉपर की कैटेगरी में आते हैं, तो इससे फायदा क्या होगा हम नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बना पाएंगे, ये फायदा होगा इसका, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बना सकते हैं, उससे क्या बेनिफिट होगा वो देखते हैं। वैसे जो डेरिवेटिव है ये बनता है 2x + 4, ये डेरिवेटिव होने वाला है और यहां पे प्लस 3 है 2x + 3, तो मैं एक प्लस 1 माइनस 1 कर लेता हूं। ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 कर लेता हूं। नाउ अब इन दोनों को इसके नीचे कर देते हैं, ये हो गया 2x + 4, ये हो जाएगा x² + 4x + 1
माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन। क्लियर है ना? अब अगर आप ध्यान से देखें, ये फंक्शन है, उसका ऊपर डेरिवेटिव है। जब फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होता है तब हम क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होता है। एक हमने टाइप देखी थी जिसमें हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स एन है, एफ डैश एक्स है, अगर साथ में एक ऐसी टाइप हमने डिस्कस करी हुई है जिसको हम फिर आंसर में लिखते थे एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, ये पूरे पे है एन प्लस वन, ये होल डिवाइडेड बाय एन प्लस वन है, ये पावर एन प्लस वन, राइट। तो इसमें भी देखिए जरा, मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन का की पावर माइनस वन बाई टू, ये पावर ऊपर जाएगा माइनस वन बाई टू हो जाएगी, साथ में इसका पड़ा डेरिवेटिव टू एक्स प्लस फोर। ठीक है, इतने पार्ट की बात करो, बाकी ये एज इट इज है, इसको कुछ नहीं किया हमने। नाउ फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव बढ़ा है, पावर में एन है, तो पावर एन है तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, पावर में एन प्लस वन करेंगे माइनस वन बाई टू प्लस वन करेंगे तो हाफ हो जाएगा, नीचे भी एन प्लस वन आएगा तो नीचे भी एक हाफ आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन में हमारे पास ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन। क्लियर है? आप इसके कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा के हम इसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं, ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा फिर इसमें से माइनस होकर फाइनल आंसर आ जाएगा। आपको बस अब इतना पार्ट सॉल्व करना है, आई थिंक ये डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए आपके लिए सॉल्व करना, तो आप इसको कंप्लीट कर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में जो कि टाइप 11। टाइप 11 में जो हम फॉर्मुलाज डिस्कवर करेंगे वो ये फॉर्मुलाज है हमारे पास, जिसके अंदर न्यूमिरेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के अंदर जो है हमारे पास अंडर रूट है। ठीक है, इसके फॉर्मुलाज थोड़े से लेंथी है एज कम्पेयर टू जो पहले हमने सिक्स फॉर्मुलाज किए, इसके फॉर्मुलाज कंपेरेटिवली लेंथी है, अदरवाइज जो वर्किंग प्रोसेस है वो काफी हद तक सेम है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में वो कह रहा है रूट ऑफ एक्स के प्लस टू एक्स प्लस फाइव। अब तक आपको पता लग चुका होगा कि जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है और हमें ऐसे फॉर्मुलाज लगाने होते हैं तो हम इनमें पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड लगाते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो मेथड आप इसमें लगाओगे तो पहले आ जाएगा एक्स प्लस, इसका हाफ करोगे वन का होल स्क्वायर माइनस दिस वन प्लस फाइव, माइनस वन प्लस फाइव करोगे तो आ जाएगा प्लस फोर, प्लस फोर को हम लिखते हैं टू का स्क्वायर, तो बन गया एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। अब ये लीनियर है, लीनियर का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, तो हम ये वाला फॉर्मुला लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, तो इसका आंसर विल बी हाफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा एक्स प्लस वन इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, यानी यही लिखना है हमें एक्स प्लस वन स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, राइट। देन प्लस, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, प्लस हाफ ऑफ ए स्क्वायर, ए यहाँ पे टू है, टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर आ जाएगा, हाफ ऑफ फोर लॉग ऑफ, लॉग ऑफ एक्स, अब एक्स की जगह एक्स प्लस वन है तो एक्स प्लस वन आएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यही आएगा हमारा। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई कर देंगे, वैसे ये जो सिंप्लीफाई होकर, क्योंकि हमने इसी को इसमें फॉर्म में कन्वर्ट किया था, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस से ये बन जाएगा, तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा और वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। चलिए इसी का एक दूसरा वर्जन देख लेते हैं। अब इसमें क्या है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के रूट के अंदर है, ठीक है, और वो न्यूमरेटर में, और उसके साथ एक और फंक्शन पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारी कोशिश ये होगी पिछले क्वेश्चंस की तरह कि हम इसका डेरिवेटिव बाहर बना लें। ठीक है, इसका डेरिवेटिव बाहर बना लें, क्योंकि ऐसी हमने एक टाइप देखी थी कि अगर एक फंक्शन की पावर एन है और उसके साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा है तो हम उसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं मुझे इसका डेरिवेटिव मिल जाए बाहर। अभी फिलहाल ये वन माइनस एक्स का स्क्वायर है, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो उसका डेरिवेटिव करने पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, डेरिवेटिव करने पर आपको कुछ इसका आंसर मिलेगा माइनस वन माइनस टू एक्स। ठीक है, और उसके लिए फिर आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको बनाना है माइनस वन माइनस टू एक्स, तो एक बार इसको रीअरेंज करके लिख लो, थोड़ा समझने में आसानी होगी। माइनस टू एक्स माइनस वन चाहिए मुझे, तो पहले मैं माइनस टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ इस वाली ब्रैकेट को, जो डिवाइड है वो बाहर आ गया, जो मल्टीप्लाई है उसको अंदर चला गया, माइनस टू एक्स माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे माइनस वन चाहिए, यहाँ माइनस टू आ रहा है, तो इस माइनस टू को मैं ब्रेक कर सकता हूँ माइनस वन माइनस वन। ठीक है, एक इसको अलग से लिख लो, माइनस वन को अलग से रहने दो, प्लस ऑफ माइनस वन, यह आएगा वन माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। नाउ अब इस ये वाली चीज ऐसे, ठीक है, जब ये अंदर जाएगा दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हाफ ऑलरेडी बाहर है इंटीग्रेशन के अंदर, वन माइनस एक्स स्क्वायर, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस वन के साथ, माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। मैं दोनों पे इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहा हूँ, दोनों पे इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ अब इसमें फिर सेम मेथड लगेगा जो हमने यहाँ पे किया था कि पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, उसको एक शेप बना लो, फिर जो भी फॉर्मूला तीनों में से एप्लीकेबल है वो अप्लाई कर लो। बट यहाँ पे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो इस रूट को मैं लिख सकता हूँ पावर वन बाई टू,
रूट को हम लिख सकते हैं पावर 1 बाई 2। अब ये फंक्शन की पावर है समथिंग इनटू उसका डेरिवेटिव है। जब फंक्शन का पावर और डेरिवेटिव हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं फंक्शन पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहां पे आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप ये चीज अपने आप कर सकते हो जैसे वो किया था, बिल्कुल सेम वे में करना है। याद रखना यहां पे पहले माइनस वन को कॉमन निकालना पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस वन चाहिए होता है हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए। क्लियर है? चलिए टाइप 12 है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। इसके जो सॉल्यूशन है जिसका फॉर्मूला है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी आ जाते हैं इस वजह से बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। एक बार फॉर्मूला फटाफट देख लेते हैं, ऑल्दो हमने फॉर्मूला का जो डिटेल है वो सारा पहले डिस्कस किया हुआ है, एक बार मैं क्विकली बता देता हूं। ये आइलेट रूल होता है, आइलेट रूल की डिटेल्स क्या है वो आपको इसी वीडियो के बिगनिंग वाले पार्ट में मिल जाएंगी। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टेप देखो, वहां से आपको मिल जाएगा। नाउ फॉर्मूले में क्या है कहता है, आपको दो फंक्शन चूज करने होता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल आइलेट रूल, जिसमें से यू फर्स्ट होगा, अगर वी सेकंड, यू वी हम फर्स्ट और सेकंड मान के चले तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड की इंटीग्रेशन। जो भी आंसर आएगा इसका आपको होल इंटीग्रेट करना है और या इस तरह से आपका आंसर जो है वो फाइनलाइज होगा, ठीक है। यहां पे जो आई है, आई इनवर्स होता है एल लॉग ए अलजेब्रा टी ट्रिग्नोमेट्री ई एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब ये अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा पहले ट्रिग्नोमेट्री बाद में, तो अलजेब्रा का फर्स्ट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला लगाते हैं इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे वन आएगा सेकंड की इंटीग्रेशन। अब मैं कर नहीं रहा हूं, एज इट इज लिख रहे हैं साइन थ्री एक्स डी एक्स। नाउ साइन थ्री एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे, हमें मालूम है इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, बट थ्री एक्स है तो फिर थ्री से डिवाइड भी करना पड़ेगा माइनस। साइन थ्री एक्स की इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगी माइनस कॉस थ्री एक्स बाय थ्री डी एक्स, ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा और ये थ्री बाहर आके वन बाय थ्री हो जाएगा। नाउ कॉस थ्री एक्स क्या फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, cos 3x की इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा sin 3x by 3, जो वो नीचे वाले 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। लास्ट में प्लस की लगाना मत भूलना, इस तरह से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चीजें बहुत सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नाउ अब बात करते हैं log x के बारे में, अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है। बच्चे कहते हैं कि सर आपने कहा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का काम तब आता है जब दो डिफरेंट फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने एक एग्जांपल भी देखी है, बट लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि log x तो एक सिंगल फंक्शन है, ये किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। और अगर आपने देखा हो कि जो हमने वो लिस्ट ऑफ फॉर्मूलास थे वहां पे log x का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी नहीं लिखा था, ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है। अगर आपको कहीं log x आ जाए तो आप कर क्या सकते हैं, इसे 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें पता है 1 से मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा फंक्शन है वो अनफेक्टेड रहेगा। और आगे आगे हम क्या करेंगे, इस 1 को x पावर 0 की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अभी नहीं मैं लिख रहा हूं, बट अगर आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि ये 1 जो है हम इसको x पावर 0 की तरह सोच सकते हैं, क्योंकि अभी x पावर 0 की तरह हो गया तो x अलजेब्रा हो गया और l हमारा log हमारा l हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स आ जाएगा माइनस फुल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव वन बाय एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स इसका डीएक्स हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स एक्स कट जाएगा वन आ जाएगा वन के इंटीग्रेशन डीएक्स, ठीक है। आ जाएगा एक्स लॉग एक्स माइनस वन की इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स कॉमन निकाल लो आंसर आ जाएगा लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी प्लस सी, ठीक है। अब यहां पे एक चीज आप नोटिस करोगे कि हम थ्रू आउट दिस क्वेश्चन तीन बार इंटीग्रेशन कर देते हैं, एक बार इंटीग्रेशन करते हैं जब यहां पे इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। आप देखिए जरा, एक यहां पे इंटीग्रेशन है, एक यहां पे इंटीग्रेशन है और एक ये वाली इंटीग्रेशन है, ठीक है। टोटल तीन टाइम इंटीग्रेशन करते हैं, बट हम जो हमारा आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होता है वो तीन बार नहीं लिखते हैं, वो जब भी आंसर आ जाता है तो बस एक क्लास में उसके प्लस सी आंसर प्लस सी एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट लिख देते हैं, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप में से। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स, कि सिर्फ एक सिंगल इनवर्स फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है। अगेन जैसे मैं लॉग में देखा था कि हम अगर एक सिंगल फंक्शन दिखाई दे उस पे भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड लगा सकते हैं। सेम तरीका होगा, हम साइन इनवर्स एक्स के साथ एक नंबर वन को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब नंबर वन को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब साइन इनवर्स एक्स के साथ वन को मैं लिख सकता हूं एक्स पावर जीरो डीएक्स, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये मेरा सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन करोगे तो वन आ जाएगा, सॉरी एक्स आ जाएगा प्लस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, फिर इस एक्स पावर जीरो की इंटीग्रेशन करोगे एक्स आ जाएगा, क्लियर है। नाउ ये चीज तो सिंपल होगी, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स आ गया यहाँ पे। अब बचा ये वाला पार्ट, ठीक है, एक्स इंटू वन इसको एक्स लिख लेते हैं, एक्स इंटू वन एक्स एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब इसको सिंप्लीफाई करने का सिंपल सा तरीका है, हम ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं जिसमें डिग्री अगर नीचे 2 है और ऊपर 1 है तो हम नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनाते हैं, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनाते हैं। मैं सिर्फ इतना पार्ट उठा रहा हूं, इसे आई1 लिख रहा हूं और आई1 मैं सॉल्व कर देता हूं एक बार। आई1 क्या है हमारे पास, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ओके। नीचे का डेरिवेटिव अगर आप देखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट, उसका डेरिवेटिव है माइनस 2x, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसका डेरिवेटिव बन गया ऊपर। नाउ अब जब फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है हमारे पास तो हम इसको लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे देखिए जरा,
की पावर माइनस वन बाय टू माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव तो क्या होगा फंक्शन की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी ठीक है तो यह आ जाएगा वन माइनस हाफ करेंगे तो हाफ हो जाएगा हाफ ऑफ करके माइनस वन यह आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर हाफ प्लस सी आंसर यह आपका फाइनल आंसर होगा क्लियर है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार मैं आपको इसी क्वेश्चन का एक अनदर वर्जन एक और तरीका भी होता है करने का साइन इनवर्स एक्स को सॉल्व करने का एक और तरीका भी हो सकता है कि आप इसको टी सपोज कर लें ठीक है साइन इनवर्स एक्स को टी सपोज कर लें अगर साइन इनवर्स एक्स को टी लेंगे तो एक्स आपका हो जाएगा साइन टी और जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे अब एक्स का तो एक्स का डेरिवेटिव तो वन होगा इसका डेरिवेटिव होगा कॉस टी डी टी बाई डी एक्स dx इस तरफ ले आया dx की वैल्यू हो जाएगी cos t dt मींस अगर मैं यहां पे फिर से अपनी ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो करूं तो sin इनवर्स x तो t है dx क्या है cos t dt ठीक है तो अब आप यहां पे फिर से आइलेट रूल लगा सकते हैं ये अलजेब्रा होगा ये ट्रिग्नोमेट्री होगी अलजेब्रा पहले आता है तो 1 ट्रिग्नोमेट्री बाद में आती है तो 2 ठीक है तो आप चाहे इस तरीके से करें जैसे मैंने इसे पहले बताया था मल्टीप्लाई बाय 1 करके ये भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये भी है क्लियर चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है एक x into sin inverse x मान 1 minus x square जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आपके जो डेरिवेटिव के फॉर्मुलाज हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आपको देखते ही आइडिया होना चाहिए कि sin inverse x अगर पढ़ा तो साथ में उसका डेरिवेटिव भी पढ़ा तो यानी अगर आप sin inverse x को t लेते हैं इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 upon 1 minus x square का रूट dx is equal to dt ठीक है तो ये पार्ट डेरिवेटिव में dt बन जाएगा sin inverse x t बन जाएगा ठीक है और x की वैल्यू अगर आप देखते हैं अब यहाँ पे हम x नहीं छोड़ सकते क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इंटीग्रेशन में जब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो सारा वेरिएबल जो है वो चेंज हो जाना चाहिए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी sin t ठीक है sin और x ये t हो जाएगा ये पार्ट dx के साथ निकल के dt बन जाएगा बचेगा क्या t into sin t dt t sin t dt क्लियर है नाउ अब आप इस पे इसको अलजेब्रा ये और ये ट्रिग्नोमेट्री ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं सिंपल तरीके से करके आप वापस से टी की वैल्यू sin इनवर्स x पुट कर दीजिए आपका फाइनल आंसर आ जाएगा क्लियर है चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं जो कि है पार्शियल फ्रैक्शन अब एक इसी के ही सब टाइप देखते हैं इसके सब टाइप में क्या है कहता है आपके पास एक फंक्शन है ex उसके साथ पड़ा है fx + f'x fx और जो fx फंक्शन है वो कोई भी और फंक्शन हो सकता है नाउ कहता है अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे बाहर ex पड़ा हो और अंदर पड़ा हो fx + f'x तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा ex मल्टीप्लाई बाय fx आंसर आ जाएगा ठीक है तो इसको देखने के लिए ऐसा क्यों होगा इसके लिए हमने एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे एग्जांपल में क्या है हमारे पास ex के साथ है sin x + cos x हमें पता है sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x राइट तो ये fx + f'x हमारे पास पड़ा है इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए ex * fx fx यानी sin x + c ये आंसर आना चाहिए अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद चलिए देखते हैं इसको जब मैं दोनों को सॉल्व कर रहा हूं मैं ex को अंदर ले गया तो ex sin x बन गया ex sin x dx + ex cos x dx ये बन गया ठीक है नाउ अब ये sin x के ऊपर आप अपना आइलेट रूल लगा सकते हो ठीक है इधर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इसमें फर्स्ट फंक्शन मेरा ट्रिग्नोमेट्री आई होगा आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री देन एक्सपोनेंशियल ये मेरा सेकंड फंक्शन ठीक है इधर भी ये मेरा फर्स्ट होगा ये मेरा सेकंड होगा ठीक है दोनों पे हम आइलेट रूल लगाएंगे देखते हैं जब इसको आइलेट रूल लगाएंगे तो कैसा दिखेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन राइट माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव cos x सेकंड की इंटीग्रेशन ex प्लस अब ये सेकंड वाले पार्ट को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं उसको ऐसे ही रख रहा हूं ex cos x dx अब देखिए जरा ध्यान से जब मैंने पहले वाले को सॉल्व किया तो जो इसका सेकंड पार्ट बन रहा है वो ही हमारा ये वाला पार्ट था राइट तो इस केस में क्या होगा अब ये दोनों इंटीग्रेशन क्योंकि सेम है और इनके साइन प्लस और माइनस डिफरेंट है आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या sin x ex + c देखिए बहुत इजीली हमारा आंसर आ गया ex * sin x + c तो इस तरह से कोई भी फंक्शन जब यहां पे अपने साथ डेरिवेटिव के साथ एडिशन में पड़ा होगा और बाहर ex होगा तो हमेशा ये ex * fx आंसर आ जाएगा मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया ऐसे ही जब आप इसके क्वेश्चन और फॉलो करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें कई बार क्या होता है वो कॉम्प्लिकेटेड बना के दे देता है तो आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि फंक्शन को देख के आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि यहां पे जो है अगर ex पड़ा है तो आपके दिमाग में एक बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि अगर बाहर ex पड़ा है तो आप कोशिश करें कि अंदर वाले पार्ट में आप फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव बना दें ठीक है अगर आप ऐसा बना पाते हैं तो फिर आपके लिए ये जो सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा क्लियर चलिए आगे देखते हैं चलिए एक ऐसी एग्जांपल देखें जिसमें ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है सॉल्व करना अब जैसे मुझे बाहर ex दिखाई दे रहा है तो मेरे माइंड में ये आ जाता है कि अंदर अगर मैं फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव बना दूं तो चीजें सिंपल हो सकती हैं और अब अंदर इसका करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं नीचे x + 1 है और ऊपर x है तो मैं ऊपर भी x + 1 बना सकता हूं x + 1 - 1 करके और जो x + 1 का स्क्वायर है वो दोनों के नीचे अलग अलग हो जाएगा ठीक है इसे जो ये फर्स्ट वाली फ्रैक्शन है अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा ठीक है और माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर Now, अगर आप ध्यान से देखिए इस फंक्शन को इस फंक्शन का यही डेरिवेटिव है 1 upon x plus 1 का अगर आप डेरिवेटिव करने जाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ 1 upon x plus 1 का स्क्वायर अगर आप इसको बेटर देखना चाहते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं
नाउ अब ये एग्जैक्ट इसका डेरिवेटिव है. अब अगर ये फंक्शन ये x का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है तो इसका आंसर क्या होगा, ex into 1 upon x plus 1 plus c. क्लियर है. चलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट आंसर लिखने की बजाय आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके कर सकते हैं. हाँ बट लेकिन जब आप इसको अंदर लेके जाए तो सिर्फ पहले ही पार्ट की इंटीग्रेशन करें, ठीक है, दूसरे की इंटीग्रेशन मत करें, क्योंकि आपने देखा था कि दूसरे वाला जो है एज इट इज जो है कैंसिल आउट हो जाता है फर्स्ट वाले के. चलिए अब हम इसी के एक और सब टाइप देखते हैं. ये सब टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका सिंपल सा कारण है कि इसमें जो हम रूल आईलेट वाला समझते हैं वो जरा सा चेंज हो जाता है. अब हमारे पास दो फंक्शन है ई एक्स इंटू कॉस बी एक्स. अब ई एक्स इंटू कॉस बी एक्स कायदे से जो एक्सपोनेंशियल है वो लास्ट में बढ़ा है, तो ये सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए था. बट जैसे मैंने बोला कि ये स्पेशल टाइप आ जाती है एक तरह से, हम यहां पे इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और इसको सेकंड. ठीक है, अब इसका लेने का क्या बेनिफिट है ये आपको आगे आगे समझ में आ जाएगा. जब मैं इसको फर्स्ट फंक्शन लेता हूं तो जब हम इसके इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो इसको ले लिया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन डिवाइड बाय बी आ जाएगा माइनस माइनस ये a / b बाद में आएगा. जब आप उसके बाद क्या करते हैं ex का डेरिवेटिव, ex का डेरिवेटिव करते हैं तो ex का डेरिवेटिव करने पे a आता है, वो मैंने बाहर निकाल लिया. फिर cos bx की इंटीग्रेशन करते हैं तो sin bx / b आती है, तो वो b भी मैंने बाहर निकाल लिया. नाउ इस पार्ट पे फिर से हम दोबारा से इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे. ये यहां तक सारा पार्ट सेम है, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है बाकी उससे पहले वाला सब सेम है. तो मैंने उसके बाद ये जो ब्रैकेट डाल दिए इसके अंदर इसकी इंटीग्रेशन करी है फर्स्ट एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन कॉस बी एक्स बाय माइनस बी, क्योंकि साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस होती है, इस वजह से माइनस आया. ठीक है, सिमिलरली जब ये साइन के अंदर दोबारा इंटीग्रेशन होगी तो यहाँ पे भी एक माइनस आएगा, वो माइनस बाहर जाके उसे बाहर वाले माइनस को प्लस बना देगा. ठीक है, और ये ए अपॉन बी सेम वही, जब ए एक्स का डेरिवेटिव होगा तो ए आएगा, साइन बी एक्स का डेरिवेटिव कॉस बी एक्स बाय बी बाहर चला जाएगा. नाउ इसको मैं नाम दे देता हूँ आई. ठीक है, ये भी आई है और ये भी. अगर आप इसे जरा ध्यान से देखें इतने पार्ट को तो ये भी एक्चुअल में आई ही है, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स कॉस बी एक्स. तो देखो मैंने यहां पे इसे नाम दे दिया आई और इस ए अपॉन बी को इस ब्रैकेट के अंदर ले गया, इस ए अपॉन बी को इस ब्रैकेट के अंदर ले गया, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे. ठीक है, ए अपॉन बी स्क्वायर ई एक्स कॉस बी एक्स एज इट इज माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आई, ये इधर आ जाएगा, इधर आके आई कॉमन आके अब जरा एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये चीज बन जाएगी. इस तरफ मैंने ये टर्म तो शिफ्ट कर दी गई है, यहां पे एलसीएम ले लिया. ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ई एक्स को कॉमन ले लिया तो ऐसी चीज बनी. जब ऐसी चीज बनने के बाद ये बी स्क्वायर के साथ कट जाएगा, ये बीस के बीस के साथ कट जाएगा और ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर राइट साइड पे आ जाएगा, तो ये बन गया ई एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये टर्म एज इट इज. ठीक है, नाउ ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्मला याद भी रख सकते हैं. सिमिलरली अगर ई एक्स के साथ साइन बी एक्स आ जाए, ई के साथ एक्सपोनेंशियल के साथ साइन आ जाए, तो फॉर्मुला में जब आप करोगे तो कुछ ऑब्वियस चेंजेस के साथ ये सिमिलर सा दिखाई देगा. इसके साथ एक्जैक्टली सेम नहीं है, कुछ चेंजेस है. यहाँ के साथ कॉस बी एक्स है या साइन बी एक्स है या प्लस था या माइनस है, या बी के साथ साइन था तो यहाँ कॉस है. क्लियर है. नाउ अब ये याद रखिए, सिर्फ तभी आता है अगर कुछ ऐसा पेयर मिले, ई एक्सपोनेंट के साथ या साइन हो या ई एक्स के साथ कॉस हो. अगर इसके अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आती है साइन और कॉस के अलावा, सिंपल वे से कर सकते हैं. सिंपल वे से मेरा मतलब है कि आप एक्सपोनेंट को सेकंड और ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट फंक्शन लेके सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं. तो इसके लिए मैंने जो कुछ फॉर्मुलाज है वो बिल्कुल बिगनिंग वाले पार्ट में बता चुका हूं ऑलरेडी. ठीक है, बाकी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको वो फॉर्मुलाज बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं. एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन के अंदर क्या है, 3x + 2 / x - 1 * x - 2 * x - 3. यहां पे और एक क्यूबिक इक्वेशन जो के फैक्टर्स जो है वो ऑलरेडी पड़े हैं, तो हम क्या करेंगे यहां पे, क्योंकि तीनों डिफरेंट फैक्टर्स हैं तो मैं उनको ब्रेक कर लूंगा. 3x + 2 / x - 1 * x - 2 * x - 3, इसको मैं इस तरह से ब्रेक कर लूंगा. इसको मैं आगे बढ़ाने से पहले छोटी सी चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं. जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है, वो एक अलग से मेथड है जो क्या करता है, आपकी कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे पास पॉलीनोमियल फ्रैक्शंस होती हैं उन्हें सिंप्लीफाई कर देता है. कि जैसे अगर यहाँ पे जो फ्रैक्शन है थोड़ी सी देखने में कॉम्प्लिकेटेड है तो वो आपको इसको इस शेप में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, अभी ये बताऊंगा कैसे सॉल्व करता है. देखिए वो क्या करता है, ऐसी दिखने वाली फ्रैक्शन को कुछ ऐसा दिखा देता है. ये पार्शियल फ्रैक्शन का काम है, ये इंटीग्रेशन का काम नहीं है. इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प लेते हैं ताकि हमारी कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाली टर्म्स जो है वो कुछ ऐसी दिखने लग जाए ताकि हमारे लिए इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए. क्लियर, तो यहां पे हमारे पास एक फंक्शन गिवन था, इस फंक्शन को मैंने लिख लिया a / x + 1 b / x - सॉरी x - 1 b / x - 2 c / x - 3. तो हमारे पास ये टर्म्स हैं. मैंने क्या किया, यहां पे राइट साइड पे एलसीएम ले लिया, राइट साइड पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम ये तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो एलसीएम किससे कटिंग कर दी. ठीक है, तो जब एलसीएम लिया था तो ऊपर सिंपलीफाई कैसे होता, a * x - 2 x - 3 + b * x - 1 x - 3 + c * x - 1 x - 2. आप चाहे तो इसे रोक के यहां पे एलसीएम कर सकते हैं, खुद करके देख सकते हैं. मैंने डिनोमिनेटर ऑलरेडी कैंसिल आउट कर दिए हुए हैं. नाउ इसके आगे सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, मैं आपको जो सबसे इजीएस्ट है और जो हर जगह अप्लाई होगा, हर टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई होगा पार्शियल फ्रैक्शन की, वो बता रहा हूं. आप देखिए जरा, आप यहां पे नोटिस करिए कि यहां पे x की वैल्यू 0 कब, सॉरी ये पूरी टर्म की वैल्यू 0 कब होगी, x = 1 पे. ठीक है, तो आप x = 1 पुट कर दीजिए दोनों साइड. ठीक है, यहां पे मत पुट कीजिएगा क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम है. हम क्या करेंगे, यहां पे x को 1 पुट कर देंगे. x को 1 पुट करने से क्या बेनिफिट होगा, देखिए जरा लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा, 3 × 1 = 3 + 2 = 5. अब यहां पे पुट करेंगे 1 की वैल्यू, तो यहां आ जाएगा 1 - 2 × -1 - 3 - -2 - -2 - 2 + 2 हो जाएगा 2a. ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, यहां पे भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये से 0 बना देगा, ये से 0 बना देगा. 5 = 2a बचेगा हमारे पास, a आ जाएगा 5/2. मैंने गलत लिखा होता, 5/2.
क्लियर है। सिमिलरली अभी मैंने x = 1 पुट किया था, आप ऐसे x = 2 पुट कर लीजिए, क्यों, क्योंकि x = 2 से ये 0 बन जाएगा, तो मैं यहां पे x = 2 पुट कर दिया दोनों साइड, जब सिंपलीफाई किया तो मेरे पास आंसर आया -8। सिमिलरली मैंने जब x = 3 पुट किया तो यहां पे मेरे पास c की वैल्यू आ गई 11/2। बेटा यहां पे एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये इंपॉर्टेंट कैच है ये भी, कि जब आप ये वैल्यूज पुट कर रहे होते हैं 1, 2, 3, तो आपकी चॉइस होती है कोई भी वैल्यू लीजिए, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जो इन टर्म्स को जीरो बनाएगा आपको एक्स की वही वैल्यू लेनी होती है, ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस ये कि इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, इसलिए मैंने ये स्टैंडर्ड वैल्यू 1, 2, 3 यूज किया। अदरवाइज आप चाहे -1 लें, 0 लें, 2 लें, 3 लें, कुछ भी लें, आपकी चॉइस होती है, आप इनफिनिट नंबर्स हैं आपके पास एक्स के लिए, आप सारे जो मर्जी आप इसमें पुट कीजिए, बट तीन जितने कॉन्स्टेंट्स होते हैं आपको इतने ही सपोज करने की जरूरत पड़ती है, इन्हीं के लिए आपके रिक्वायर्ड जो एबीसी है वो निकल आते हैं। अगर तीन कॉन्स्टेंट्स है एबीसी तो आप तीन वैल्यूज आपको सपोज करनी पड़ेंगी, अगर चार है तो चार करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है कि तीन कॉन्स्टेंट्स और आपको तीन से ज्यादा चार या पांच या छह कॉन्स्टेंट्स खुद से सपोज करने पड़ रहे हैं एक्स की वैल्यूज के लिए। क्लियर, ओके। नाउ अब मेरे पास एबीसी की वैल्यूज आ गई तो मैंने यहां पे पुट कर दिया, एक ही जगह यहां आ जाएगा 5/2, ठीक है, बी की जगह आ जाएगा -8, सी की जगह आ जाएगा 11/2, ठीक है। नाउ अब हुआ क्या, ये मेरा सारा जो पार्ट है ये सिंप्लीफाई हो गया, अब मैं अपने इंटीग्रेशन में जहां पर ये फंक्शन पड़ा था उसकी जगह ये फंक्शन लिख दूंगा, यहां पे मेरे पास इंटीग्रेशन में ये फंक्शन पड़ा था इसकी जगह मैं लिख दूंगा। मैंने क्या किया है, ये सारा पार्ट जो है इसको इससे रिप्लेस कर लिया, रिप्लेस करने के साथ एक बार इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ये रिप्लेस हो गया बेटा सारा। नाउ इंटीग्रेशन अलग अलग कर दी, इंटीग्रेशन अलग अलग करने के साथ जो कांस्टेंट टर्म से वो बाहर ले लिए, 5/2 बाहर आ गया, -8 बाहर आ गया, +11/2 बाहर आ गया। अब इसकी इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है हमारे लिए, तो इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे 1/(x-1) log x-1, सिमिलरली बाकी भी प्लस सी, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ ऐसे ही कि इसके साथ कई थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास इंटीग्रेशन है 2x/(x²+1)(x²+2). वैसे इसके करने के दो तरीके हो सकते हैं, मैं आपको इजी वाला बता रहा हूं, आप एक्स स्क्वायर को टी ले लीजिए। एक्स स्क्वायर को टी लेने का बेनिफिट क्या है कि जो भी हम अगर हम एक्स स्क्वायर को टी ले लेंगे, एक तो नीचे वाली जो टर्म्स है वो लीनियर हो जाएंगे और न्यूमिरेटर में उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी पड़ा है, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। ये 2xdx जो है ये dt बन जाएगा, नीचे आ जाएगा t+1 और t+2। अब आप इसको अलग से उठा के 1/(t+1) को आप इसकी सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, बी की वैल्यू निकाल के, ठीक है, जो भी आएगा उसको आप यहां पे फंक्शन को फिर से रिप्लेस करके इजीली उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्लियर है, मैं आपको और टाइप्स कवर करवा देता हूं इसमें। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, हमारे पास x²+1/(x-1)² × x+3। मैं यहां पे छोटी सी चीज और ऐड करना चाहता हूं कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जब भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि जो भी फ्रैक्शन आपको दी हुई है पॉलीनोमियल फ्रैक्शन वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वो इंप्रॉपर है तो पहले उसको लॉन्ग डिवीजन के हेल्प से आप प्रॉपर बनाएं, फिर आप उसको आगे सॉल्व करें। ये मैं बहुत बार पहले भी बोल चुका हूं, इससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन किए जिसमें हम फ्रैक्शन ऑफ पॉलीनोमियल्स को सॉल्व करते रहे, उसमें भी ये सेम फंडा अप्लाई होता है। नाउ अब यहां पे क्या है, x²+1/(x-1)²× x+3, x²+3, इसको हम कैसे ओपन करते हैं, a/(x-1) सिंगल पावर 1 आएगा पहले, प्लस b/(x-1)², ठीक है। ऐसे अगर यहां पे पावर 3 होती तो मैं लिखता +c/(x-1)³, ठीक है, फिर मैं लिखता लास्ट में +d/(x+3), राइट। तो बट यहां पे स्क्वायर तक कितना, तो मैं यहां पे ही रुक गया। नाउ नेक्स्ट इज c/(x+3), क्लियर है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल ये समझाने के लिए कि अगर पावर 2 हो तो हम कैसे करते हैं, ऐसे अगर पावर 3 हो तो उसको कैसे करना है। आई विश आप यहां से इसको आगे सॉल्व अपने आप कर पाए, क्लियर है। चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, a/(x+2) × x²+4, इसको हम कैसे लिखते हैं, a/(x+2), बट अब हम इसको b/(x²+4) नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो इसकी डिग्री है जो 2 है, तो जो मैं ऊपर लिखने वाला हूं उसकी डिग्री एक कम होती है, जो अगर नीचे डिग्री 2 है तो मैं ऊपर डिग्री 1 वाला पार्ट लिखूंगा, अगर नीचे क्यूबिक होता तो मैं ऊपर क्वाड्रेटिक लिखता, ठीक है। तो एक डिग्री कम करके हम ऊपर लिखते हैं। अब ऐसा जाने के बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट कैच और है, जब आप इसके नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व कर लेंगे, अब इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ध्यान से समझना, कि यहां पे x+2 है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, हम x की वैल्यूज कैसे, आप वैसे कुछ भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 0, 1, 2, -2, आपकी जो है सब कुछ भी पुट करिए, बट लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप x की वैल्यू -2 पुट करते हैं ना तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाती है उसकी उसकी वजह से। तो मैं पहले एक बार x को -2 पुट कर लेता हूं क्योंकि वो इसको 0 बना रहा है, जब मैं इसको पुट करूंगा ये बनेगा 0, a की वैल्यू आ जाएगी 1, a तो बहुत इजीली आ गया, बट अब b एंड c पेंडिंग है, और जो BNC के नीचे पड़ा x²+4, आप इसको कुछ भी पुट करके 0 नहीं बना पाएंगे, कुछ भी रियल नंबर अगर आप x को पुट करते हैं तो x²+4 कभी 0 नहीं बन पाएगा x की किसी भी वैल्यू के लिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अब हम x की वैल्यू -2 तो एक बार पुट कर लिया, बट लेकिन अब क्या करेंगे इसके बाद, आप अब अपनी तरफ से वैल्यूज को पुट करना शुरू कर लीजिए, ठीक है। आप जैसे x को अपनी कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए x को 0 पुट कर लीजिए, जब x को 0 पुट करेंगे यहां पूरे में तो ये आ जाएगा 8 = ये 0 हो गया तो 4 है, ये b इसके साथ मिलकर पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा 2c, ठीक है। Now, अभी आप इसमें a की वैल्यू 1 अगर पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर भी इजीली आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी -2, सॉरी 2 आ गई वैल्यू, c की वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट इज, अब आप a की आ गई, c की वैल्यू आ गई, अब ऐसे आपकी चॉइस है, x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, -2 हो गया, 0 हो गया, आप 1 पुट कर लीजिए, जब आप 1 पुट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, फिर ये 8/, सॉरी
ये दिखेगा 8 इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे वैल्यू तो 5 a प्लस बी प्लस सी 1 प्लस 2 करेंगे 3 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2 ऑलरेडी है हमारे पास a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 2 3b प्लस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3b आ जाएगा b की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगी तो a b और c की आप ऐसे वैल्यूज कैलकुलेट करके वापस यहां पे पुट करके आप इसको फिर सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हो ठीक है चलिए आगे चलते हैं चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है यहां पे x square upon x square plus 1 upon x square plus 4 वैसे तो अगर आप देखेंगे ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है ठीक है क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर 4 है अगर आप सारी ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं ऊपर पावर 2 है तो ये ऑलरेडी प्रॉपर है बट यहां पे हम जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था हमने x square और x square जब हमें दिखाई दिए थे तो हमने क्या किया उसको t ले लिया इसके पीछे रीजन ये था कि ऊपर डेरिवेटिव पड़ा था बट अगर मैं यहां पे x square को t लेता हूं तो ऊपर डेरिवेटिव नहीं पड़ा ठीक है बट स्टिल मैं यहां पे जो करने वाला हूं बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी ध्यान से सुनना x square की वैल्यू t हो गई अगर मैं x square को t लेता हूं मैंने क्या किया मैंने सिर्फ इतना पार्ट उठाया बेटा इंटीग्रेशन नहीं उठाए मैंने सिर्फ इतना पार्ट उठाया और इसमें मैंने x square को t से रिप्लेस कर दिया t upon t plus 1 t plus 4 a upon t plus 1 b upon t plus 4 अब इतने से पार्ट को मैंने सिंपल जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं मैंने वैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन किया आप चाहे तो वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं अपने लिए तो आप t upon t plus 1 को इस तरह से लिख लेते हैं ठीक है जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है उसका काम सिर्फ आपकी पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करना होता है ठीक है तो ऐसे तो इंटीग्रेशन से एसोसिएटेड नहीं है तो यहां पे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन में सॉरी माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि x स्क्वायर की वैल्यू आप t ले रहे हो सर आपने यहां पे डेरिवेटिव नहीं किया 2x dx = dt नहीं किया सो आंसर टू द क्वेश्चन इज कि बेटा मैं अपने जो मेरे अंदर जो यहां पे इंटीग्रेंड पड़ा है मैं इसका वेरिएबल चेंज नहीं कर रहा हूं अगर मैं इसका वेरिएबल चेंज करता उस केस में मुझे फिर उसका डेरिवेटिव करना जरूरी था अब मैंने क्या किया मैंने इसको अलग से उठाया सिंप्लीफाई किया अब वापस अपना वेरिएबल पुट कर दूंगा वापस अपना वेरिएबल मतलब जो t था उसको फिर से x स्क्वायर पुट कर दूंगा रीसब्स्टिट्यूट कर दूंगा ये बन जाएगा x square upon x square plus 4 is equal to minus 1 by 3 upon x square plus 1 plus 4 by 3 x square plus 4 यहां पे t plus 1 भी आएगा बेटा यहां पे x square plus 1 आएगा क्लियर है नाउ अब देखिए इतने पार्ट को मैं ये लिख सकता हूं तो फिर मेरी नई इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी नई इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी minus 1 by 3 x square plus 1 plus 4 by 3 x square plus 4 आप दोनों पे इंटीग्रेशन अलग अलग करके उसे बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं अब यहां पे स्पेशल इंटीग्रेशन वाले फॉर्मुलास लग जाएंगे उनकी हेल्प से आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे क्लियर है ये मेन कैच था कि हम यहां पे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी डेरिवेटिव नहीं करते हैं सिंपल रीजन है क्योंकि हम जब इंटीग्रेशन में वापस जाते हैं तो हम अपने सेम वेरिएबल में ही वापस जाते हैं ये पार्ट इंटीग्रेशन से बाहर का है तो यहां पे आप अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपको डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं हो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं यहां तक ही थे जो हमारे सारे पार्ट्स हमने कवर कर लिए अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला हो या आपकी चीजें आपको रिवाइज करने में हेल्प हुई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जिन भी आपके दोस्तों को इसकी जरूरत पड़ सकती है अभी है या बाद में जरूरत पड़ सकती है तो उन्हें ये रेकमेंड जरूर कीजिएगा राइट माय नेम इज संजीत बंसल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग